अंकुश नहीं जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट ले मेरे बोल्स लेके आना नीचे से. किसी को जिम जाने का समय नहीं है तो ये एक्ट को ले लेना, डंबल की तरह एक्ट करेगा. ओके शुड वी बिगिन एवरीबॉडी. ओके इस माइक की आवाज बढ़ाओ ना, सेकंड वाले माइक की. चेक माइक, चेक चेक. चाय कॉफी लेके आए आप लोग? कुछ खा के बैठना टैक्सी की क्लास में. दो बजे तक क्लास है. एक बजे के बाद नहीं तो आप क्रेजी हो जाओगे. 2 o'clock. आजा आजा भाई आजा. चलो लेट्स बिगिन. मैम प्लीज स्टार्ट. यस लाइव लाइव वी आर लाइव लाइव. ओके ओके सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. तो क्या ब्रेकफास्ट करके आ गए? यस मैम. कुछ खा लिया है ना? यस. तो एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ टैक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑन योर फैंटास्टिक रिजल्ट्स. यस तो रेडी है सब लोग? तो इससे पहले आप सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का सिलेबस स्टार्ट करें तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं उनको. मैंने मैम को बोला मैम एक बार मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ, सबको पता होना चाहिए. तो जैसे मैं आपको लॉ के बारे में पूछ रहा था तो आपके पास वापस से मैं कुछ गेसिंग कर रहा हूँ, आप बताना मुझे इनका एक्सपीरियंस जो है आपके पास में जो है 3 ऑप्शन है, 15 साल से कम, 20 साल से कम या 20 साल से ज्यादा. 20 साल से ज्यादा मैम. क्या बात है, सबको पता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स बताओगे मैम कितने साल? 22 इयर्स. सो आई जनरली टेल देम कि आपकी एज क्या है. आपकी एज क्या है? यस सो ओह माय गॉड दैट मच इज लाइक माय टीचिंग एक्सपीरियंस. 20 सालों का अनुभव है मैडम को पढ़ाने का. मैम आप बताओ, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों से, क्या मैम इनकम टैक्स के सब्जेक्ट का सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखती है, क्या मैम प्रैक्टिस भी करती है? आपको कैसे मालूम? क्या आपने के सुना है मैम का फर्म भी है और फर्म का नाम भी बताया? ओ वाओ. अच्छा तो मैम जो है सही कहा आपने, मैम का जो है प्रैक्टिस भी है. और क्या मैम जो आपने एक्सपीरियंस कहा 20-22 सालों का, वो क्या केवल सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या मैम भी प्रैक्टिस भी उतने सालों से ही कर रही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो ये वो सब्जेक्ट है. ये दोस्तों आपके सामने है इस समय इनकम टैक्स है. मैम ये सिर्फ इनकम टैक्स ही है? यस. और अभी जीएसटी के अंदर ऐड होना बाकी है. बाकी है. तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इन सब्जेक्ट को देखकर? आईसीएआर चाहती है कि आपके पास में ये इसके अंदर लिखे हर पन्ने का ब्रेन में आपके छप जाना चाहिए. बेटा कैसा लग रहा है बेटा आपको ये देख के? अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? ये वही चीज है जो मैम आपको बढ़ाने वाली है. बट मैं वापस से आपको कहना चाहूंगा मैम के पास में आपको इस सब्जेक्ट को आसान करने के पूरे रास्ते हैं. अक्सर लोग जो है इस सब्जेक्ट को, ये किताब को पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं. मैम ने इस सब्जेक्ट को ना किसी पढ़ा है, जिया है, एक्सपीरियंस किया है, क्लाइंट्स को एडवाइस किया है. और आप सभी जानते हो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को जिसने जिया है, लाखों करोड़ों के टैक्सेस मैम के कहने पर लोग भरते हैं. इस किताब को मैम ने ना किसी बात से पढ़ा है, 22 सालों से ज्यादा मैम इस किताब को पढ़ रही है और क्लाइंट को एडवाइस कर रही जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. और वही प्रैक्टिकल दुनिया जो है वो आपके साथ में वो शेयर करने जा रही है. स्पेशली जिस तरह का ट्रीटमेंट इस सब्जेक्ट को होना चाहिए, सब्जेक्ट अपने आप में एक चैलेंज है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सब्जेक्ट. आप सभी लोग बार बार सुनते हुए इंडिया का टैक्स काफी कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्सिटी की दुनिया में आपका बहुत स्वागत है. दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान बनाने के लिए आई थिंक पूजा मैम इज द बेस्ट सॉल्यूशन जिन्होंने अपने जिंदगी में इतना ज्यादा काम किया डायरेक्ट टैक्स में. मैं आपको इतना कह सकता हूं दावे के साथ में कि पूरे भारत में जितने भी लोग डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा रहे हैं नोबडी हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट शी हैज. एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए व्हाट एक्सपीरियंस शी हैज.
और यहाँ पे कुछ लोग भी है जिन्होंने, कुछ लोगों ने ऑलरेडी टैक्स पढ़ रखा है यहाँ पे, ये कुछ लोग ऑलरेडी टैक्स पढ़े हैं। मैम से आप बेटा, आप ग्रुप वन में मैम के पास ही पढ़ रहे थे, इधर अभी तक, अभी आपने पढ़ लिया बेटा, उधर आपने पढ़ लिया, ओहो। और अभी आज आप सिर्फ आज कैसे आ गए यहाँ पे? मैम एक बार जरा स्टेज पे जरा बताओ मैम कैसा पढ़ाती है, बच्चे बताएंगे, एक मिनट जरा आ जाना दोनों बच्चे। चलो ठीक है आ जाओ। ये बच्चा ऑलरेडी ग्रुप वन टैक्स करके बैठा है, जरा इनसे समझ लेते बेटा कैसा अनुभव रहा आपका। हेलो मैम, मैम का दूसरा नाम ही माँ है, तो कल हमारे बैच का लास्ट डे था तो बहुत याद आ रही थी आपको, बहुत मिस किया मैम। और आपका जो पढ़ाना है, मतलब आप संडे को छुट्टी नहीं देती है लेकिन लेकिन आपने कभी ऐसे भगा के नहीं पढ़ाया, जो भी पढ़ाया आराम से सब समझा के, मतलब ऐसे कभी नहीं लगा कि आपने भगा भगा के पढ़ाया कि वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीन महीने कब चले गए पता नहीं चला, बहुत एंजॉय किया टैक्स की क्लास में, आपका छोटा छोटा ब्रेक हो बहुत बहुत वो जरा छोटा छोटा ब्रेक का जरा क्या एक एक बता कौन सा ब्रेक क्या होता है उस ब्रेक में जरा बताओ। ब्रेक में कभी गाना होता है, कभी किसी की शायरी होती है, एक आध बार डांस हो जाता है किसी किसी का। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छा बेटा। और आज आप यहाँ पे कैसे आए, क्या करने आए क्लास में? तो क्लास तो हो गई आपकी? क्लास हो गई सर, अब घर जाने वाला था तो बोला एक बार मैम से मिल के जाओ। क्या बात है, चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बेटा, बैठ सकते, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आप जो है टैक्स की जर्नी जो जाहिर सी बात है आपकी बहुत ब्यूटीफुल हसीन रंगीन होंगी, ऑल द सब्जेक्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी लार्ज वास्ट, बट मैम आप जरा बताएंगे इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? यस, तो पहले तो कैसे होता है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट व्हाट यू नीड टू नो इज यू नीड टू नो द लॉजिक। अगर आपको ना कोई लॉजिक पता चलता है ना तो फिर वो चीज याद रखने के लिए मुश्किल नहीं होती है, देन इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर। इंडिया में कैसे होता है, जैसे प्रोविजंस होती है वो ऐसी एक्ट नहीं बनता है, लोग कुछ जुगाड़ करते हैं उसका रिएक्शन गवर्नमेंट से आता है। जैसे अभी के बजट में आपने अगर बजट के बारे में बहुत मीम्स देखे होंगे, देखा ना, और कोई लॉन्ग टर्म टैक्स है, इंडेक्सेशन चला गया, फिर लोगों ने बहुत परेशान हो गए और फिर गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन वापस लेके आए। सो एवरी टाइम इट इज लाइक दिस, इट इज आर एक्शन एंड देन इट इज गवर्नमेंट्स रिएक्शन। सो इफ यू नो द व्हाई बिहाइंड द प्रोविजन देन इट्स नॉट डिफिकल्ट, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो टैक्स होना ही चाहिए, इसीलिए तो अपनी सीए की इतनी वैल्यू है, राइट? सबको टैक्स आने लग जाए तो हम सीए के पास कौन आए है ना, तो अपने भी रोजी रोटी का सवाल है। तो हमारी तो उम्मीद होना चाहिए टैक्स शुड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा ज्यादा, चलो ठीक है पास होने में थोड़ी दिक्कतें हो भी जाएगी, बट कम से कम सीए होने में कोई कंपटीशन में जल्दी आएगा नहीं, राइट? यस, तो फिर इसी इस तरीके से हम कैसे करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड भी पढ़ाई करेंगे। सो आपको मैं बुक्स के बारे में और इस सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। बुक्स को बहुत अच्छे से मैंने, लाइक आई विल टेल यू वन थिंग, कैन यू गो थ्रू एंड सी लास्ट 23 इयर्स पेपर्स एंड आरटीपीस? बट आई हैव सीन देम, सो आई नो वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क यू, राइट? सो आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू सारी एडजस्टमेंट्स, कि ये एडजस्टमेंट तो इस पे इंस्टीट्यूट किस टाइप का सवाल पूछती है। तो हमारे नोट्स में एक्सीडेंट स्पॉट्स होते हैं जहां पे मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो हम अगर दूसरों की गलती से सीखेंगे तो बढ़िया है, खुद की गलती से सीखोगे तो इट विल कॉस्ट यू 3 months, 4 months और यू नो, सो एक अटेम्प्ट इट कैन कॉस्ट यू एन एग्जाम। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट इफ आई टेल यू कि यहाँ बच्चे जनरली गलती करते हैं, आपको अवॉइड करना है, सो यू फोकस ऑन दैट। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2-3-4-5 स्टार मार्क्स, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब इसको पढ़े बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, यू हैव टू नो इट, दैट इज इंस्टीट्यूट फेवरेट एडजस्टमेंट। नाउ हाउ डू आई नो दैट, 3 years एज स्टूडेंट मैंने पेपर्स देखे इंस्टीट्यूट के, 23 years एज अ टीचर, सो आई नो वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क यू ऑन वॉट कॉन्सेप्ट। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू एवरी टाइम आई टीच यू अ कॉन्सेप्ट और द चैप्टर, सो आई विल बी गिविंग यू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आप इतना बैक जाके पेपर्स नहीं देख सकते, मैक्सिमम 6 years, 7 years की आप सॉल्व करोगे, बट आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस विथ यू व्हाइल आई टीच यू, ओके? एंड बुक्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में, ऑफ कोर्स अभी वंस वी स्टार्ट मैं आपको भी बता दूंगी। मैम एक आपकी किताब है जिसका नाम आपने ब्रेन मैपिंग रखा है, जरा एक बार दिखाएंगे, काफी तारीफ सुनते हैं उसकी।
ये किसके लिए बनाए? ये जीएसटी के लिए ना। और इसमें क्या पूरा जीएसटी आ जाता है? यस, एंटायर जीएसटी गेट्स कवर्ड। मतलब इतना पड़े तो अपना हो जाएगा जीएसटी? एब्सोल्युटली हो जाएगा। एंड सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होगा, इट इज एकदम प्रैक्टिकली। बहुत सारे पिक्टोरियल डायग्राम्स है, तो आपको बहुत ही उससे फन वे में हम सीखेंगे। यस अंशु, ये देखो ये ब्रेन मैपिंग है। सो हम क्या करते हैं, पूरी स्टोरी के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में आपको दिखाते हैं। ऐसे बुक देख के वापस टेक्स्ट पढ़ने का मन कर रहा है मेरे। सो सी दीज आर लाइक इमेजेस, देख के हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। टेक्स्ट पढ़ने में मजा आता, भरने में नहीं। हम करेंगे, हम स्वप्निल सर का भी टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं, और सर को कितना सरचार्ज लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैम मुझे टैक्स का पूरा एग्जम्पशन, कमाई इतनी कम है पूरा एग्जम्पशन में ही आ जाता है। हार्डली को जो स्लैब रेट के नीचे आता है अपना सब कुछ। ठीक है, ऐसा गरीब सबको बनाए भगवान। यस, कैसे यार? दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट को सिंपल बनाने के लिए मैम हैज टेकन ऑल द एफर्ट्स। पिछले मैं कुछ दिनों से जब मैं अंकिता मैम से और पूजा मैम से बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जब भी मैं इसको पूछता कि क्या कर रहे होते, बोले कि नोट्स बना रहे हैं, इनका काम होता है। मैंने कहा प्रीवियस अटेम्प्ट में तो आपने जो कि वही वापस छपवा दे, तो बोले नहीं छपवा सकते हैं, बिकॉज जब भी नया बजट आता है तो टैक्स लॉ चेंज हो जाते हैं। तो क्या मैं जो किताबें जो देखेंगे मैडम, और मैम आपकी भी जो भी किताबें, क्या ये सारे अमेंडमेंट को मद्देनजर रखते हुए? यस यस, एब्सोल्युटली अमेंडेड है। सो दीज टू बुक्स हैव कम, एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इंडेक्सेशन का मुद्दा चल रहा था, अभी फिक्स नहीं था, आई समवेयर हैड दैट फीलिंग कि शायद दे कैन गेट बैक द इंडेक्सेशन, और दो ऑप्शन आएंगे, तो वो मैंने बुक में ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, और ब्लैंक छोड़ दिया, इट इज देयर ऑलरेडी प्रिंटेड। तो मैं प्रिंटिंग को ऑलरेडी मैंने भेज दिया था। आई हैड दिस गट फीलिंग समवेयर कि शायद वो इंडेक्सेशन वापस आ जाएगा और मेरी बुक्स प्रिंट। अभी चॉइस है ना, हम दोनों में से एक को ही यूज कर सकते हैं। यस यस, एंड आई हैव केप्ट दैट टेबल ऑलरेडी इन माय नोट्स। तो ये आया दो दिन पहले है, बट मेरी बुक्स प्रिंट होके पहले ही आ चुकी है, सो दैट ऑप्शन वन ऑप्शन टू इज ऑलरेडी देयर। मैम ये जो किताबें हैं, ये कितनी किताबें जनरली होती है जीएसटी और डीटी के मिला के? सो टोटल 7 बुक्स आर देयर। 7 बुक्स होती है, 7 बुक्स फॉर। क्या उसमें ये समरी चार्ट्स भी आ गई? यस, समरी चार्ट्स इज देयर, पास्ट पेपर्स आर देयर, कंपाइलर इज देयर, एवरीथिंग। नहीं नहीं, आप समझो, किताबें जो बनाई होती है ना, वो साथ कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा समझाता। जैसे क्या है ना, आपको ये लॉ दे दे, तो ये थोड़ी ना, इसको समराइज किया जाता है इन बुक्स के माध्यम से, बराबर मैम? यस। और फिर ये इतनी मोटी किताब, देखो अब यहां से तो यहां तक पहुंच गए हम लोग, अब फिर इसको भी छोटा बनाने का काम मैम ने किया हुआ है। हाँ, तो 7 किताबें मैम को देने दो, यानी कि मुझे लगता है क्लास होने के बाद मात्र इतना बढ़ा है। पर ये प्रोसेस है, वो 7 किताबों की प्रोसेस है, तब जाके फाइनली आपके 2 आ जाएगी, तो आप जो पीएल में से 2 पढ़ेंगे। मैम दोनों मिला के कितना, 100-150 पन्नों के आसपास लग रहा है देख के, तो बस इतना ही पढ़ना है, एक डीटी एक आईडीटी हो गया, और इतना सही तो पढ़ना है। तो आई थिंक लॉ सब्जेक्ट में और टैक्स सब्जेक्ट में, दोनों में लॉ है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि उसको इंटरप्रेट करना। तो मुझे लगता है कि वो बंदा जिसने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को जिया है, उसका जो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि प्रैक्टिकल दुनिया में क्लाइंट बोलता क्या है, क्लाइंट सोचता क्या है, कैसी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगता है ये लेक्चर देखने के बाद में ना कि आप सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे, पर एक आप में डिजायर क्रिएट हो जाएगी, चलो यार मैं भी प्रैक्टिस कर लूंगा, और प्रैक्टिस करूंगा तो एग्जैक्टली माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्लाइंट सवाल पूछता क्या है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमने सॉल्यूशन कैसे देना चाहिए, कैसे लोगों का टैक्स बचाना चाहिए, कैसे लोगों की टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, कंप्लायंसेस होके, ये सब ज्ञान अगर आपको चाहिए जो बियॉन्ड द बुक्स है, वो मैम के पास है। वरना किताब से लेकर किताब पढ़ाने वाले तो टीचर बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइज, इट इज अनपैरेलल, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। डायरेक्ट टैक्स, और जिस तरह से मैम आपकी शिद्दत से आपसे एक उनका अलग बच्चों के साथ में रैप होता है, आई एम श्योर कि आपको एक लॉ की जर्नी जैसे लग रही थी, वैसे टैक्स की जर्नी में भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और पूजा मैम बखूबी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रस्तुत आपके सामने करेंगे। मैम
लाइव स्ट्रीमिंग में भी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो लोग मतलब बजट में जो आया है कि हमको उसके अमेंडमेंट आएंगे या आप उसके द्वारा ही सब कुछ अभी बता दोगे? नहीं, बुक्स में सब कवर हो जाएगा और क्लास में ही कवर हो जाएगा, तो अलग से उनको करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये बजट 24 जो है इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द नोट्स एंड इट्स रेडी एंड प्रिंटेड और आपको मिल जाएंगे। सिर्फ जीएसटी आपको एक महीने भर बाद मिल जाएगा, पहले डीटी होगा और फिर जीएसटी की बुक्स मिलेंगी। देखो ये सब्जेक्ट जो है वो मजाकिया सब्जेक्ट नहीं है, डीटी आईडी थोड़ा सा प्रेशर वाला सब्जेक्ट है। ओके, इसकी जर्नी, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, लॉ सब्जेक्ट आपने फाउंडेशन में डील कर लिया था, तो कुछ बैकग्राउंड आपके पास है। आई थिंक डीटी आईडी दे आर गोइंग टू फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उस जर्नी को निभाने के लिए जो क्वालिटीज की जरूरत एक टीचर में होना चाहिए, जो कंसेप्चुअल जो ठहरा होना चाहिए, आई थिंक पूजा मैम इज द राइट पर्सन। और आपको एक बात बता दें, एसपीसी स्टार्टेड इन ईयर 2010 बट वी स्टार्टेड टैक्स इन 2019। 9 साल के बाद में हमने टैक्स वाले टीचर को ढूंढा, बताओ क्यों? देखो सब्जेक्ट के साथ में गेम हो जाएगा, और किताबों से पढ़कर पढ़ाने वाले टीचर बहुत सारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा देंगे, पर द प्रॉब्लम इज ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है, इसको एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब्जेक्ट अलग है। वरना टीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट आई डोंट वांट टू प्ले विद द करियर ऑफ स्टूडेंट, सो इसलिए बहुत टाइम लगा इनको ढूंढने में। जो ये इट टुक अराउंड 9 years टू सर्च कि भाई पूजा मैम कहाँ है, किधर है, एंड फाइनली शी इज ऑन बोर्ड। सो नाउ वी आर वेरी हैप्पी दैट ये सब्जेक्ट को सही ढंग से डील किया जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर आपको डीटी आईडीटी बहुत छोटा, बहुत कंसाइज और बहुत अच्छा लगने वाला है। बट उतना ही सिंसेरिटी मैम, इन बच्चों की सिंसेरिटी भी चाहिए। यस, लेक्चर्स तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो लेक्चर्स भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बट अब यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और मैम जो 3 घंटे का जो एक्सपीरियंस मॉर्निंग में रखा, बिल्कुल मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ मेरा टाइम कब चला गया मैम। इनफैक्ट आपका भी यही था आज मॉर्निंग में, समझ में नहीं आया कि क्लास का टाइम कब खत्म हो गया। राइट, ऐसा बच्चों को भी लगा होगा शायद। ऑल दैट वाज द फर्स्ट क्लास, पर मैम होता क्या है ना कि वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग 8 o'clock, देन 10:25 तक आज लिया था लेक्चर, बट इट वाज अराउंड 2.5 घंटे का। बट इन बच्चों ने ऐसा महसूस, कभी कभी क्या होता है ना, टीचर को भी बड़ा वो लगता है भाई कब लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट जिस सिंसेरिटी से आप बैठे हो, एक पढ़ने की उम्मीद है मैम, आपको भी बहुत अच्छा टाइम इन बच्चों के साथ में होगा। अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बहुत टैलेंट है, और इस क्लास में कुछ लोग हैं श्रीलंका से भी, एक मलिंगा भी यहाँ पे बैठा हुआ, एक यहाँ पे ये कुवैत से आया बेटा, ये दो बच्चे हैं, ये चंटी है, ये मैम इंटरनेशनल लोग हैं, बहुत आगे हैं। और ये इस क्लास के सारे बच्चे बहुत ही मेहनती लग रहे हैं, पढ़ने की बहुत उम्मीद है, आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। सो ऑल रेडी, स्टार्ट करें अपन, ठीक है? यस, तो बेसिकली मैं आज थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देती हूँ। अब मेरा इंट्रोडक्शन सर ने तो दे ही दिया, सो आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट और हम कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज पहला लेक्चर है तो सब आपको ज्ञान देने वाले, थोड़ा है ना, मतलब पढ़ाई तो स्टार्ट करेंगे। इन 15-20 मिनट्स आई विल एक्चुअली स्टार्ट विद द स्टडी पार्ट ऑल्सो, राइट? सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जो टैक्स सब्जेक्ट है फर्स्ट, अरे इधर रख दे, उधर रख दे बॉटल, ठीक है? अब सुनो, अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा, वी आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दो, फाउंडेशन थ्रू कितने और डायरेक्ट एंट्री थ्रू कितने, फाउंडेशन वाले कितने बच्चे? ओके, ऑल राइट, एंड डायरेक्ट एंट्री, नाइस, सो क्वाइट इक्वल नंबर। सो डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, बिकॉज टैक्स इज एनीवेज इंट्रोड्यूस एट व्हाट लेवल? इंटरमीडिएट। सो इन इंटरमीडिएट लेवल जो टैक्स ये सब्जेक्ट है, राइट, आपको 50 मार्क्स का क्या आने वाला है? डीटी, और 50 मार्क्स का आईडीटी। सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई वांट यू आल्सो ऑल टू हैव अ इंटरएक्टिव सेशन, तो आप भी मैसेजेस कीजिएगा। सो देखिए, हमारा जो पेपर है इट इज पेपर 3, डू यू नो पेपर 3, एंड इट इज कॉल्ड एज टैक्सेशन, और इसमें जो है वी आर गोइंग टू हैव 50 मार्क्स ऑफ डीटी एंड वी आर गोइंग टू हैव 50 मार्क्स ऑफ आईडीटी, करेक्ट है? यस, एंड इन फाइनल यू हैव 100 मार्क्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड 100 मार्क्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
सो डू यू अंडरस्टैंड कि टैक्स हमें पढ़ना क्यों है? ये एक आपको आर्टिकलशिप में इसी को यूज करके काम करना है, लोगों के टैक्स कैलकुलेशंस करने, आपको एडवाइस देना है, क्लाइंट्स की वर्किंग्स करनी है आपको ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, तो ये सब कहां से होगा? टैक्स के अंडरस्टैंडिंग से होगा. देन इट इज अ बेस फॉर फाइनल, बिकॉज 100 मार्क्स डीटी एंड 100 मार्क्स जीएसटी आईडीटी, सो इट्स अ बेस फॉर व्हाट? फाइनल के लिए बेस है ये आपका, बराबर. और सीए बनने के बाद भी आप इसी में से करियर बनाने वाले हो, सो यू हैव टू यू नो फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड नॉट टेक प्रेशर. जब आप प्रेशर में पढ़ाई करते हो तो मजा नहीं आता है. डोंट टेक प्रेशर कि ये याद कैसे होगा. हाँ, आपको क्या करना है, यू अटेंडिंग क्लास, एम आई अंडरस्टैंडिंग? इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग, ऑल इज गोइंग वेल. हम लोग एफर्ट्स लेंगे और रिविजन्स लेंगे तो आपको वो लर्निंग क्लास के बाद हो जाता है. ठीक है, तो हमें टैक्स पढ़ना क्यों है? एक, एग्जाम में पास होने के लिए, दूसरा आर्टिकलशिप के लिए, फाइनल का बेस, और फिर करियर का, हमको करियर इसी में से बनाना है. सो सीए को टैक्स नहीं आएगा तो बॉस किसको टैक्स आएगा? इट्स ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन गिव यू टैक्स रिलेटेड एडवाइस एंड नोबडी एल्स, नो अदर प्रोफेशनल. सीएस कैन गिव यू सम अदर एडवाइस, सीडब्ल्यू इज गुड इन सम अदर, यू नो दे हैव अ सेपरेट एक्सपर्टीज, बट टैक्स की बात करेंगे तो इट इज ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो हैव अ वेरी, सिर्फ एग्जाम वाला भी अप्रोच नहीं चाहिए, बट हमको हमारे क्या डेवलप करनी है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है. जैसे कि अगर आप सीए बन गए, एक्ट चेंज हो गया, नया लॉ आ गया, जीएसटी आ गया, आप फिर से कोचिंग क्लास लगाओगे क्या? तो कैसे होगा? आपको आपके क्या डेवलप करनी है, एनालिटिकल स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स. नाउ आई कुड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई विल शो यू दैट टैक्स का मेरा जो मैं आपको बता रही कैपिटल गेन्स का, आई विल शो यू अ पेज जहां पे ऑलरेडी मैंने ऑप्शन वन ऑप्शन टू करके ब्लैंक छोड़ दिया, बिकॉज आई हैड दिस गट फीलिंग दैट व्हाट इफ इट कम्स बैक. तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा कि एटलीस्ट फिर नोट्स में उसी टाइम पे हम अपडेट कर देंगे. और 6 अगस्त को ये अनाउंसमेंट आया कि हम लोग इंडेक्सेशन का ऑप्शन देंगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो ये हो गया आपके पेपर के बारे में. तो 50-50 मार्क्स. आपने क्या सुना है, टैक्स कैसा है, वास्ट है, सीनियर्स ने कुछ बताया होगा आपको? डेंजरस. तो मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करके रखा है ना, वास्ट है बहुत, ऐसा सुना है. अच्छा, बहुत डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट. सो माई प्लस पॉइंट इज कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन को मैं बहुत ईजी तरीके से आपको सिखा सकती हूँ. सो आई विल सिंप्लीफाई इट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि मैं आपको बहुत ईजी और सिंप्लीफाई करके एम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगी. पास पेपर्स हम करने की कोशिश करेंगे. इनकम टैक्स में तुरंत नहीं होते, थोड़े दिनों बाद हम लोग स्टार्ट करते, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमें पहले सीखने पड़ते. तो बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपको लॉजिकली समझाया जाएगा, आपको जो बुक्स मिलेंगी सारी अमेंडेड बुक्स मिलने वाली है, बराबर है. तो जैसे कि ये बुक है रामबाण, व्हाई डू आई कॉल दिस एज रामबाण, पूरा इनकम टैक्स इसमें यू स्टडी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, एक भी चीज आपको इस कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा. एंड दिस इज प्रश्न मंजूषा क्वेश्चन बैंक. ओके, सो प्रश्न मंजूषा क्या है, ये आपका क्वेश्चन बैंक, ये हम क्लास में सॉल्व करते हैं. ये मैं कहां कराऊंगी आपको, क्लास में सॉल्व. फिर आपको ऐसा ही रामबाण किसका मिलेगा, जीएसटी का. सो जीएसटी में दो वॉल्यूम्स है, सो वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, तो ये क्लास में पूरा कवर हो जाएगा. तो जीएसटी का ये रामबाण है और इनकम टैक्स का है. नाउ यू विल हैव दीज टू चार्ट बुक्स. जीएसटी चार्ट बुक इज फैंटेस्टिक, यू जस्ट डू दिस एंड यू आर सॉर्टेड. इनकम टैक्स इज ऑल्सो मोर देन इनफ, कवर्स एवरीथिंग, इसमें इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला आपको. और ये है आपका कंपाइलर. नाउ व्हाट इज अ कंपाइलर, ऑफकोर्स ये दो नए हैं, बाकी के जो बुक्स दिख रहे हैं उसके कवर पेज चेंज होंगे. ओके, बिकॉज दिस इज अंडर प्रोसेस. ये दो नई बुक्स प्रिंट होके आ गई है, क्योंकि हमें अभी इसी से पढ़ना है. लाइव स्ट्रीमिंग पीडीजीडी स्टूडेंट्स, आपको डिस्पैच होना चालू हो जाएगा, ये दो बुक्स मिल जाएंगी आपको. बाकी जो बुक्स है उसका क्या चेंज होने वाला है, द कवर इज गोइंग टू चेंज एंड अ लिटिल कंटेंट जीएसटी का वी आर वर्किंग ऑन. ओके, एंड दिस इज द कंपाइलर. पास पेपर्स और ये सब सॉल्व करके ये डीटी इन और आईडीटी दोनों साथ में होगा. सो दीज आर द बुक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. नाउ बुक्स में खास क्या है, ऑल द चैप्टर्स आर डिवाइडेड इन टू कॉन्सेप्ट्स. इफ यू जस्ट सी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, टेल मी वन थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर वाइज आता है क्या? ऐसे चैप्टर का नाम लिख के आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट वाइज.
और क्या होता है, बच्चे क्या करते, एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं जमा तो बच्चे उस चैप्टर को बदनाम करते हैं कि ये चैप्टर ही डिफिकल्ट है. डोंट डू दैट. दैट इज वाई वॉट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड इट इन टू कॉन्सेप्ट. तो मान के चलो आपको C6 डिफिकल्ट लग रहा है, C4 डिफिकल्ट लग रहा है किसी को, सो यू फोकस ओनली ऑन दैट. यू से कि मैम C4 कॉन्सेप्ट नहीं समझा, और एक बार करेंगे. आप रिवाइज सिर्फ उसी को करो, पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का. सो ब्रेक इट अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फोकस ऑन दोस पार्ट्स. सो वी विल डिवाइड द चैप्टर्स इनटू कॉन्सेप्ट्स. हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा, हर चैप्टर के बाद, अब के इस बजट में निर्मला सीतारामन जी ने क्या बोला था, यू विल गेट अ बजट कोट. सो हर चैप्टर में ये चेंज क्यों हुआ और उन्होंने क्या बोला, तो हर चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा बजट कोट. एंड दिस सेज व्हाट 23rd July 2024, एंड व्हाट डिड निर्मला सीतारामन से, सी व्हाट शी अनाउंस्ड इन दिस बजट. शी सेड आई एम नाउ अनाउंसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू. देयर इज अ चांस, शी हैज सेड 6 मंथ्स में मैं पूरा इनकम टैक्स सिंप्लीफाई करने वाली हूं. कुछ हुआ नहीं है अब. इनफैक्ट ये जो उनका इंटेंशन है सिंप्लीफाई करने का है, बट इंडेक्सेशन को ही देख लो, खत्म हो जाता तो हमारा काम इजी हो जाता. अब इंडेक्सेशन है और नहीं भी है, दोनों वर्किंग करना है. दोनों वर्किंग करके फिर क्लाइंट को बताना, ये लो ये ऑप्शन इंडेक्सेशन के साथ ऐसा टैक्स आ रहा है, विदाउट इंडेक्सेशन ऐसा टैक्स आ रहा है. अब आप बोलो क्या है, तो हमारा काम तो बढ़िया. तो ये सिंप्लीफाई हो गया या कॉम्प्लिकेट हो गया, राइट? ऑफ कोर्स द इंटेंशन इज सो. आई एम अनाउंसिंग कि मैं रिव्यू करूंगी पूरा टैक्स, एंड इसके लिए हम लोग देखेंगे कि टैक्स जो है, वी विल ब्रिंग डाउन द लिटिगेशन. और हम प्रपोज करें कि 6 महीने का टाइम हमें दीजिए, हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करके पूरा रिवैम्प करके देंगे. इस बजट में उन्होंने ये बोला है. तो हर चैप्टर में वट एवर चेंजेस आर डन, वट डिड शी से व्हाइल मेकिंग द चेंज एज इट इज, मैंने उनको ही कोट किया है. सो ये आपको बजट कोट्स मिलेंगे. हम जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न मंजूषा करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू हैव सम केवाईसी क्वेश्चंस. क्या होने वाले हैं आपके केवाईसी क्वेश्चंस. केवाईसी इज नो योर कॉन्सेप्ट. केवाईसी क्या है? नो योर कॉन्सेप्ट. आई जस्ट शो इट टू यू. पीजीबीपी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ. पीजीबीपी अच्छा ठीक है, यहां अभी मुझे नहीं दिख रहा है, बट आई कैन जस्ट शो इट टू यू. ये देखो, अगर हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, सी आई विल गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन. देखो ये क्या क्वेश्चंस है, केवाईसी. तो आपको हर कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम होगा. लकीली माय सब्जेक्ट इज सच, यू नो व्हाट, आई टीच यू थ्योरेटिकली एंड आई कैन टीच यू प्रैक्टिकली. तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, फिर उस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी. क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है टैक्सेशन, इनकम टैक्स, इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जहां पे हम क्लाइंट्स का टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग करते हैं. एंड हमारा हमेशा स्टोरी का द एंड इज गोइंग टू बी टैक्स कैलकुलेशन. टेल अस द टैक्स दैट असेसी क्लाइंट विल हैव टू पे. इतना इतना इनकम है, हम आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है. सो हमारा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, हमेशा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन. इज दैट क्लियर? तो पहले मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको, थ्योरेटिकली, और उसके बाद में कैसे पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिकली. Is that clear to everybody? Yes. अब ये हो गया कि हम क्लासेस में पढ़ने कैसे वाले. तो अच्छा मैम, क्लासेस के दौरान टेस्ट होने वाली है क्या? Yes, टेस्ट होने वाली है. क्लासेस के दौरान क्या हम डाउट सॉल्विंग होगा क्या? Yes, डाउट सॉल्विंग आप हम कर सकते हैं. क्लासेस खत्म होने के बाद हमें डाउट्स आएंगे तो क्या? देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू. आई पर्सनली यूजिंग अ वॉइस नोट के थ्रू मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ. GDPD स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार्स होते हैं, वेयर वी डू द क्वेरी सॉल्विंग. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, हम आपके चैट के थ्रू क्वेरी सॉल्विंग करते हैं. क्लासेस के बाद आपको वो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहां पे मैं बहुत एक्टिव हूँ बेटा. क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डाउट सॉल्व नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर. सो आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर डाउट सॉल्विंग. आगे कुछ अमेंडमेंट्स आते, छोटे मोटे नोटिफिकेशन, यूट्यूब पर मैं लेक्चर लेती हूँ. MTPs, RTPs जैसे भी आपके एग्जाम के आएंगे, मैं क्या करूंगी, यूट्यूब पर सॉल्व कराऊंगी आपको. So you don't have to worry about it. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sure, okay. अब थोड़ा सा, I was in 11th and 12th a science student. So 11th and 12th मेरा science था. फिर उसके बाद मैंने commerce. I wanted to become a doctor. But 12th में मुझे इतने खास marks नहीं आए थे. Then I decided to shift to CA. And I decided now I'll take commerce and I'll do CA. And then in inter,
आई वॉज एन AIR 25 एंड फाइनल आई एम AIR 33. सो आई बीन अ रैंक होल्डर इन इंटर एंड फाइनल. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल अगर हम डिसाइड करते कि कौन से. अच्छा, मैंने ऑफकोर्स फाउंडेशन में मेहनत बहुत ज़्यादा की थी बिकॉज मुझे हमेशा ये डर लगता था कि ये बच्चे तो इनको ऑलरेडी अकाउंट्स आता है, इनको डेबिट क्रेडिट सब आता है और मुझे कुछ भी नहीं आता है. तो आई थिंक मैंने फाउंडेशन में बहुत मेहनत करी थी टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ 11, 12th अकाउंट्स. आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स. आई यूज टू टेल दैम कि मुझे ये प्लीज चैप्टर एक्सप्लेन करो, ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो. तो ऐसे करके अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट द रिजल्ट, राइट. प्लस क्या मैम, क्लासेस का टैक्स हमने सुना है बहुत वास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. अब जो एग्जाम्स हुई थी May 24, उसमें हाइएस्ट क्या रहा है टैक्स का? सो 90 वॉज द हाइएस्ट. अर्नव अग्रवाल AIR 20, ही गॉट 90 मार्क्स इन टैक्स. उसके बाद देर इज खुशी, देर इज 85, देर 74, थ्री रैंक होल्डर्स, मेनी मेनी एग्जम्पशन. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 90 से मैं मेरे बारे में नहीं बता रही हूँ, 90 से मैं आपके लिए टारगेट दे रही हूँ कि इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट. एग्जम्पशन तो हम लेकर आ ही सकते हैं टैक्स में. समझ में आ रहा है क्या? तो एक हमें पढ़ना है पढ़ाई एग्जाम्स के लिए, दूसरा हमें पढ़ना है कॉन्सेप्चुअली हमारे एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है, बेस बनाना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे. समझ में आ गया आपको? यस. और क्लासेस के बाद क्या क्या होता है? क्लासेस के बाद हम लोग रिविजन लेक्चर्स लेते हैं, मैराथन लेक्चर्स लेते हैं, MTP RTP सॉल्विंग हम कराते हैं. सो ऐसा नहीं है कि वील जस्ट लीव कि क्लास हो गया तो अब खत्म हो गया. वी विल बी देयर विथ यू टिल द एंड एंड वी विल सी टू इट कि आपकी ये पूरी जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान हो जाए. ओके है? यस, राइट. सो अब हम थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट कितने बजे उठे हो आज आप लोग? बहुत जल्दी एंड मस्त. फिर क्या, यू ऑल हैव हैड अ बाथ, रेडी होके आ गए? ये कितने दिन ऐसा चलने वाला है मुझे पता नहीं है. फिर 4 दिन 5 दिन और उसके बाद डायरेक्टली ऐसे नींद में ही आप इधर ही पहुंच जाओगे ऐसे मुझे लग रहा है. हाँ, आई होप यू कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड फॉर अ फ्यू डेज. आई विल टेल यू वन थिंग, आज आपको लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है. योर बॉडी विल टेक 3 to 4 days टू सेटल एंड एडजस्ट टू दिस शेड्यूल. आपको कितना टाइम लगेगा? 3 to 4 days लगेंगे टू सेटल एंड एडजस्ट विद दिस शेड्यूल. यू विल फील वेरी टायर्ड टूडे व्हेन यू गो बैक बिकॉज इतने घंटे एकदम से बैठने की आपको आदत नहीं है. बराबर है? आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा. आप अलग अलग स्टेट से हो, यू मे नॉट लाइक, हर स्टेट का फूड अलग होता है. घर जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा. आपको ये शेड्यूल पसंद नहीं आएगा, आपको शायद हॉस्टल पसंद नहीं आएगा, आपको शायद बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी. यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं यूज करना मिलेगा, यू हैव टू क्लाइंब अप एंड कम एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट लेट मी टेल यू, मुद्दे से कभी भटकना नहीं. हमारा मुद्दा यहाँ पढ़ाई का है. हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे? पढ़ाई का है. मुद्दा खाने का नहीं है, मुद्दा लिफ्ट नहीं है, नहीं है मुद्दा हॉस्टल नहीं है, ये ऐसा प्रॉब्लम है फलाना. इज दैट आर मेन फोकस? नो. वॉट आर वी हियर फॉर? स्टडीज. और मुद्दे से भटकने का नहीं, दैट्स द की पॉइंट. अदर देन दैट, हाँ, आपको इस जर्नी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्टल में कुछ इश्यू आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू वॉन्ट टू डिस्कस, योर फैमिली इज फार अवे, वी आर क्लोजर, कम एंड मीट अस, कम एंड टेल अस, शेयर विथ अस, टॉक टू अस, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी आर हियर फॉर यू. आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे प्लीज आप आके हमसे बात करो. क्लासेस के बाद आप आके बिंदास बात करो. यू फील देयर इज सम इशू, यू आर गेटिंग प्रेशर, कुछ टेंशन आ रहा है, कुछ इशू है, आप आके बात करो, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर इट. और कभी कभी बात करने से भी हमें थोड़ा अच्छा लगता है. बराबर है क्या? यस. तो क्लास में अभी हम कैसे बैठेंगे? एवरीबडी विल सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर. आई डोंट लाइक एनीबडी सिटिंग बिहाइंड द पिलर. सो इफ देयर इज एनीबडी हुम आई कांट सी और यू कांट सी मी, एडजस्ट योर पोजिशन, शिफ्ट इन सच अ वे दैट देयर इज नोबडी सिटिंग बिहाइंड द पिलर. आई शुड बी फ्रॉम हियर एबल टू सी एवरीवन. आई लाइक टू हैव आई कॉन्टैक्ट. यस. सो प्लीज शिफ्ट दिस साइड. थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है कि मुझे हर एक बच्चा दिखना चाहिए. बराबर है क्या? यस. टैक्स पूरा थ्योरी है या प्रैक्टिकल? नहीं, ऑडिट जैसा नहीं है. टैक्स तो पूरा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ओके. अच्छा, बीकॉम. वैसे मैंने आपको इंटर के बारे में बताया, मैं बता दूं बीकॉम में मुझे अटेम्प्ट लग गया था एक.
ओके तो मैंने बीकॉम का एग्जाम स्किप किया था क्योंकि वो मेरे एग्जाम के साथ क्लैश हो रहा था, सीए के एग्जाम के साथ। एग्जाम फॉर्म भर दिया, फिर मुझे फेल वाली मार्कशीट घर पे आ गई और फिर मुझे वापस जाके बीकॉम देना पड़ा। सो आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, आई एम अ बीकॉम बट विथ एन अटेम्प्ट, सो आई टुक एन अटेम्प्ट ओवर देयर। ओके सो दैट्स ऑल राइट, इज दैट ओके? यस, चलो एवरीबडी विल क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। सो ऑल रेडी नाउ? यस, चलो एकदम क्लास में थोड़ा सा एक और चीज बताती हूँ। थोड़ा हमें प्रॉब्लम टाइमिंग चेंज हुआ है, लास्ट टाइम मेरा सेशन 7:30 to 11 होता था, इस बार का सेशन का टाइमिंग है 10:45 to 2:00। नाउ इट्स यस, एक तो मेरा टाइम 15 मिनट से कम हो गया है, लास्ट बैच आई गॉट 15 मिनट्स मोर, आई यूज टू स्टार्ट एट 7:30, क्या हो गया रे? हाँ सो 7:30 आई यूज टू स्टार्ट, नाउ द टाइमिंग इज 10:45 to 2। एंड बाई डिफॉल्ट ऐसा होने वाला है कि 1:30 आपको भी भूख लगने वाली है और मुझे भी लगने वाली है, हेमंत को भी लगने वाली है, शायद हम सबको भूख लगने वाली है, बट वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। सो वन, अगर हमें टारगेट दिया है ठीक है, हमें जो टाइम दिया है दे दो, कोई बात नहीं है, वील डू समथिंग अबाउट। तो फर्स्ट, लॉ की क्लास के बाद आप कुछ हैवी ब्रेकफास्ट या कुछ स्नैक्स खाओगे सो दैट यू कैन पुल ऑन टिल 2:00। लाइव स्ट्रीमिंग वाले ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, नहीं तो बार बार यहाँ लेक्चर चल रहा है, किचन में जाके कुछ लेके आ रहे हो और लेक्चर छूट रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सिट स्ट्रेट एंड सिट ऑन अ स्टडी टेबल। ओके तो वन, ड्यूरिंग माय क्लास यू आइदर ईट इन दस 15 मिनट्स का टाइम आप कुछ खा के आओगे, क्योंकि नहीं तो 2 बजे तक सर्वाइव करना आगे पॉसिबल नहीं होगा, और खाली पेट हमें समझ में नहीं आता, इरिटेशन होता है। डू यू अंडरस्टैंड? खाली पेट आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्या होता है, इरिटेशन होता है। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। वन, दूसरा, यू कैन कैरी सम ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी स्नैक्स विथ यू। ओके सो आप ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, बिस्किट्स, कुछ दिनों में बच्चों का लंच कुरकुरे और वेफर्स और चिप्स ये हो जाता है, एंड दैट इज नॉट हेल्दी। सो अगर आपको यहाँ रहना है और सर्वाइव करना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ वेदर खराब है, वन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बीमार नहीं पड़ना है। तुम सोचो अगर आप एक दिन बीमार पड़ गए, ये 10 घंटे कहां से कवर अप करोगे, ये 10 घंटे की क्लास कहां से कवर अप होगी? तो द की इज नॉट टू मिस द क्लास, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू ईट हेल्दी फूड। ऑप्शंस मुश्किल होंगे बट आप पहले से ही प्लान करके रखो, देर आर मार्केट्स क्लोज बाय, ट्राई एंड सी दैट सामने कहीं नीचे उतर के फ्रूट प्लेट मिलता है, यू फोकस ऑन हैविंग फ्रूट्स। एंड इन माई क्लास अगर आपको भूख लगती है एक वॉट एवर टाइम, आप बीच में आपने कुछ बिस्किट खा लिया, आपने कुछ स्नैक्स खा लिए वाइल आई एम टीचिंग, आई एम एब्सोल्युटली ओके विथ इट। आई शुडन गेट डिस्टर्ब, आजू बाजू वाला शुडन गेट डिस्टर्ब कि आपकी खाने की आवाज ही आ रही है और आप वो पैकेट ओपन कर रहे हो, तो ऐसा डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चलेगा क्लास में। यू कैन ईट समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग मी, इज दैट ओके? आई डोंट लाइक टू गेट डिस्टर्ब इन माई क्लास, ठीक है क्या? तो ये आपको पक्का कैरी करना है, नहीं तो हम 2 बजे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मिशन है कि हम क्लास को 2 बजे तक अटेंड कर पाए अच्छे से, बिना फूड की भूख लगी है, इस टाइप का आदत हो जाएगी आपको भी और मुझे भी, फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज लंच टाइम इज जनरली 1:30, सो वी बोथ हैव टू गेट यूज टू इट, इज दैट ओके? यस, तो ये एक बात हो गई। क्लास में डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, घबराना नहीं है, यू कैन आस्क मी क्वेरीज, डोंट गेट स्केयर्ड टू आस्क एनी डाउट्स, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क डाउट्स, तभी आप पूछ सकते हो, ठीक है क्या? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझे बताओ, टैक्स जो सब्जेक्ट है, अभी बजट के बारे में आपको क्या पता चल, इस बजट के बारे में, अच्छा इस बार बजट इतना लेट क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ इस बार? हाँ, इस बार क्या हुआ, इलेक्शन था इस बार, अच्छा फिर इलेक्शन होता है तो क्या होता है उस बार, अच्छा 2 बजट आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, ओके अच्छा नोटबुक मुझे कितनी चाहिए, एक 400 पेजेस, अगर आपको लगता है कि हमारा पूरा इनकम टैक्स एक ही नोटबुक में हो जाए तो कैरी 400 पेजेस की बुक, अगर आपको लगता है कि नहीं 200+200 इज कन्वीनियंट एंड इजी टू कैरी, तो आप 200 पेजेस की हमें 2 बुक्स लगेंगी टैक्स में, जीएसटी में इतना नहीं लगेगा, जीएसटी में सब मोस्टली बुक्स इधर ही कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, नोट्स में ही लिखने की जगह रहती है, बराबर है क्या? माई नोटबुक पेजेस हैव टू बी नंबर, देर इज नो फंडा ऑफ रफ बुक एंड फेयर बुक, जो भी है वही फेयर है क्योंकि आपको कोई टाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है क्या?
यस, तो हमारा टारगेट है टैक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो हम क्लास जो है पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे कि आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा, हम जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो स्टार्ट योर डे ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट. सो आर वी ऑल रेडी? यस. तो चलो बजट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बजट बहुत चर्चा में है फिलहाल. कौन सा बजट हुआ रहे अभी? बजट 2024. मैम 23rd July 2024, इतना लेट बजट आया है ये? यस. जनरली बजट की डेट, जनरली बेटा बजट की डेट क्या होती है? 1st February. सो 1st February 2024 को बजट आना चाहिए था, जो अभी आया भी था, एंड दैट वॉज कॉल्ड एज अ इंटरिम बजट. जिस साल इलेक्शंस होते हैं, ओनली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन. कौन से ईयर में बेटा? ओनली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन. ओनली इलेक्शंस के ईयर में क्या होता है? वी हैव टू बजट्स. मतलब कॉफी जरा सा ना. वी हैव टू बजट्स. कितने बजट्स होते हैं? दो बजट. कभी कौन से ईयर में? इलेक्शन वाले. तो एक इलेक्शन के पहले जब तक वो गवर्नमेंट होगा तब तक, बराबर है ना? एवरीबडी सिटिंग एनी वेयर इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, यू हैव टू हैव आई कॉन्टैक्ट विथ मी. आई कॉन्टैक्ट विथ टीचर इज कंपल्सरी एंड विथ नोबडी एल्स. आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर कंपल्सरी. ओके? यस. सो आपको समझ लो, इसको बहुत हंसी आ रही है. हाँ, ओनली इलेक्शन वाले ईयर में क्या आएंगे? दो बजट. क्यों बेटा दो बजट क्यों आएंगे? पहला क्या आता है, जब तक हमारा इलेक्शन होने वाला है तब तक तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए कि नहीं. तो एक इलेक्शन के होने तक बजट आता है, विच इज कॉल्ड एज इंटरिम, मतलब इंटरमीडिएट स्मॉलर बजट, नॉट अ फाइनल बजट. और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो बजट आता है, सो जो 23rd July को आया, इट इज फुल बजट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल बजट. एंड ये जो प्रॉब्लम है टैक्स में, बुक्स थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में आने का, या आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि बजट ही 23 को आया बेटा. 23 को आने के बाद अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं, इट इज अंडर प्रोसेस. वो बिल है, वो अभी तक एक्ट में पास नहीं हुआ है. हमारा जो इनकम टैक्स, अभी जो बजट की कॉपी नहीं लाई मैं ऊपर, अच्छा ठीक है. अब देखो ये जो है इलेक्शन के साल में दो बजट, इस साल का बजट आपको क्या लगा, अच्छा था या जो आपने फीडबैक सुना क्या था? अच्छा था या अच्छा नहीं था? क्या लग रहा है आपको? बकवास था, नॉट गुड. ओके, आपको क्या लग रहा है? अच्छा नहीं था. वॉट एवर यू नो अबाउट, बाकी लोगों से तो पता चला होगा ना बजट अच्छा था या अच्छा नहीं था. क्या लगा आपको? अच्छा था, मॉडरेट था, इंटेंशन अच्छा था. ठीक है, ओके, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर इज गिवन. इंटेंशन अच्छा था. ओके, हाँ, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, इंटेंशन अच्छा था. ओके, इंटेंशन का हम क्या ही करेंगे. पता है क्या टैक्स पेयर को क्या बताया गया निर्मला सीतारामन जी से? थैंक यू टैक्स पेयर्स, थैंक यू फॉर पेइंग ऑल द टैक्सेस. सो व्हाट वी गॉट एज टैक्स पेयर्स इज ओनली अ थैंक यू एंड नथिंग एल्स. अमेंडमेंट्स बजट में ऐसी होती है, कुछ अमेंडमेंट सिर्फ तालियां बजाने के लिए होती है, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती है कि यू नो दे मेक द अनाउंसमेंट वेरी स्मार्टली. व्हाट शी डिड इन दिस बजट, कल मैं लैपटॉप कैरी करूंगी, आपको बजट स्पीच सुनाऊंगी. निर्मला सीतारामन जी ने इस बजट में क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स 20% से हो गया 12.5%. खुश, पार्लियामेंट में तालियां ही तालियां, पब्लिक वेंट वाओ. 20% से टैक्स रेट क्या हो गया? 12.5%. बाकी यहाँ पे ना एक बेनिफिट होता था इंडेक्सेशन, वो उन्होंने अनाउंस किया ही नहीं कि मैंने इंडेक्सेशन हटा दिया. स्मार्टली शी जस्ट रेड व्हाट टैक्स रेट कितना था, 20, और अब कितना हो गया, 12.5. तुम बोलो लोग खुश होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? एवरीबडी सुपर हैप्पी. बट शी डिडंट अनाउंस ओनली ना, जब बजट की कॉपी आई तब हमने देखा कि अयो ये तो गेम पड़ गया हमारे ऊपर, इंडेक्सेशन ही हटा दिया. इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट जिससे इनकम बहुत कम हो जाता है. इंडेक्सेशन आपको नहीं पता है क्या है, वो बेनिफिट है, एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है जिससे आपका इनकम कम हो जाता है. इनकम ही कम हो गया तो टैक्स कितना भी लगा दो उस पर वो कम ही आने वाला है, बराबर है कि नहीं? यस. अब तो इस टाइप से होते हैं कुछ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बोलते वक्त क्या बोल रहे हैं, और उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन या मीनिंग कुछ और ही होता है. सो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ. ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं. इंडिया में इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है कितना कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्स का? यस, तो अराउंड 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, और 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स, 2 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स पर मंथ. ये क्या है?
पर मंथ, क्या बात कर रहे हैं हम, पर मंथ। बेटा आप सीए कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन से हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना टैक्सेशन, उसकी गहराई कितनी है। यू शुड नो, यू डेफिनेटली शुड नो। सो द कलेक्शन दैट द गवर्नमेंट डज इज ह्यूज, ओके। सो इनफैक्ट मैंने, अगर कुछ बच्चों ने प्री रिजल्ट बैच देखा होगा, लास्ट बैच का जिन्होंने बैच देखा होगा, या प्री रिजल्ट में कितने बच्चे थे, वेरी फ्यू, ओके ओके, ऑल राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर, ये देखो इनकम टैक्स कलेक्शन, ये देखो, ये मैंने बच्चों को दिखाया था एंड इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड दिस इन द क्लास। ये किसका है, ये गवर्नमेंट की साइट से आया गया कलेक्शन है। ये डेटा कहाँ से आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा बनाया 2000 से लेके 22-23, 20-22 साल का डेटा उन्होंने एक साथ कंसोलिडेट करके दिया। जस्ट लुक एट इट, लुक एट इट। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि कितना क्या कलेक्शन हो रहा है। आप अभी टैक्स पढ़ रहे हो, ऐसा पता चल गया आपको रिलेटिव्स के फोन आएंगे कि मेरा सैलरी का ऐसा रिटर्न है, मैं कैसे भरूं, क्या करूं, आपसे लोग एडवाइस मांगने वाले। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ नाउ। सी लुक एट दिस, द कलेक्शन दैट वी डिड ऑफ इनकम टैक्स इन द ईयर 22-23 इज 16,63,686 करोड़। दिस इज रुपीज इन करोड़। तो इनकम टैक्स का कलेक्शन बेटा 22-23 का कितना हुआ, 16,63,686 करोड़। तो 16,00,000 करोड़ का कलेक्शन एक साल का हुआ। किसका, इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स। ऐसा ही जीएसटी भी है, तो जीएसटी का ज्यादा होता है कलेक्शन, 2,00,00,000 करोड़ के आसपास हर महीने का भी अमाउंट हो गया है। अब इस कलेक्शन में से यू शुड नो विच स्टेट इज पेइंग, स्टेट वाइज ब्रेकअप भी दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला स्टेट है महाराष्ट्र, थैंक्स टू ऑल द बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंड द इंडस्ट्रीज दैट वी हैव। तो 16,00,000 करोड़ में से ये देखो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज आपको कलेक्शन दिया गया। और अगर आप महाराष्ट्र का कलेक्शन देखोगे तो महाराष्ट्र का कलेक्शन इज 6,00,000 करोड़। रफली कितना है ये, 6,00,000 करोड़। आप जरा कैलकुलेटर लेके देखो, 6,00,00,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 16,00,000, देखो महाराष्ट्र का कितना कलेक्शन है, ज्यादा आएगा, 27 से ज्यादा आएगा। कैलसी लो, कैलसी निकालो, चलो चलो कैलसी निकालो, 37%। यस, तो जितना अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया ना बेटा, तो महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 37 आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ टैक्स कलेक्टेड, हाउ मच इज महाराष्ट्र कंट्रीब्यूटिंग, 37। महाराष्ट्र इज कंट्रीब्यूटिंग 37 point something, 38 के आसपास मान के चलो, बराबर है क्या। ए लास्ट बेंच, आई कॉन्टेक्ट विद द टीचर, क्या चल रहा है, आई कॉन्टेक्ट विद द टीचर, बराबर है। हम क्या करेंगे, हमने आपको बोल दिया तुमको क्या करना है, क्लास रेगुलरली अटेंड करना है, डाउट पूछने से डरना नहीं है, क्लास बंक किया तो डरना चाहिए, होमवर्क नहीं किया तो डरना चाहिए, क्वेरी पूछने से नहीं डरना चाहिए, क्लास में अटेंड करने से डरना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आएगा, और डाउट मतलब आ रहा है प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हाँ डरना कब चाहिए, डरना चाहिए, हाँ डरना चाहिए, कब डरना कब डरना चाहिए, क्लास बंक किया, होमवर्क नहीं किया, क्लास में बैठे हो लेकिन मोबाइल यूज कर रहे हो, क्लास में बैठे हो आजू बाजू के साथ किसी के साथ बात कर रहे हो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तो डरना चाहिए, बराबर है कि नहीं। एंड आई कॉन्टेक्ट तो थ्रू आउट रहना चाहिए, यू सिट एनी वेयर इन एनी कॉर्नर ऑफ द क्लास, आपका चेहरा देख के मैं बता दूंगी कि आपको समझ में आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आप समझने की एक्टिंग कर रहे हो, आप होमवर्क करने की एक्टिंग कर रहे हो, आप लिखने की एक्टिंग कर रहे हो, एवरीथिंग आई विल बी एबल टू टेल यू, सो डोंट लाई टू मी, इज दैट क्लियर, यस क्लियर है क्या सबको। हाँ अब देखो महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्टेट की तरह आपके आपके स्टेट देख लो आप, जरा आपको ढूंढना है तो महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर किसका आता है, दिल्ली का, ये दिल्ली का है, फिर ये किधर है, कर्नाटक, कर्नाटक का भी देख लो 2,00,00,000 करोड़ है, दिल्ली 2,21,00,000 करोड़ है, बराबर है। तो ये तीन स्टेट से बाकी के अदर्स में हम डाल सकते हैं, बाकी सब अदर्स में डाल देंगे आपको, आपके कौन 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 से स्टेट से, आपको कौन से स्टेट का देखना है,
बिहार 6845 करोड़। बट लिसन, इस बार सुनो सुनो, डू यू नो इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास ट्रीटमेंट दिया गया था। अच्छा बाय द वे, डू यू नो ऑन माय इंस्टाग्राम आई हैव बजट सीरीज, बजट सीरीज है मेरी, जहां पे मैं बजट के ऊपर, बजट 24 के ऊपर, बजट क्या होता है, कैसे पास किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ही मेरे वीडियो में बताया गया था, शायद ये डिड बीजेपी गवर्नमेंट गेट मेजोरिटी दिस टाइम, नो, सो दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम हुम, फ्रॉम बिहार एंड बिहार गवर्नमेंट एंड आंध्र प्रदेश। सो बिहार को इस बजट में मिले 15,000 करोड़, नहीं ज्यादा मिले, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिले और बिहार को 26,000 करोड़ मिले। सो बिहार गॉट 26,000 करोड़ इन दिस बजट एंड आंध्र प्रदेश हैज बीन गिवन 15,000 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे देने वाली है स्टेट को, ये लो पैसे, तो अच्छी बात है, ठीक है, बिहार का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। बिहार में मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाला है, बिहार में पिलग्रिमेज एक टूरिज्म को फोकस किया है और बिहार में डेवलपमेंट होगा, तो जितना डेवलपमेंट होगा उतनी अच्छी बात है। ओके, उतनी चोरी होगी, क्यों रे, क्यों बिहार को बदनाम कर रहे तू, ऑलरेडी बदनाम है, तू बिहार से, हाँ अरे उसको हाँ बोलने में भी ये हो रहा है, तू यूपी से, तो तुझे इतनी क्यों बिहार से तकलीफ हो रही है अच्छा यूपी से, यूपी का टैक्स कलेक्शन देखो कितना है, क्या बिहार से, ऑफ कोर्स यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट एवर इज देयर। यूपी का है 37,000, तो 40,000 करोड़ के आसपास यूपी का टैक्स कलेक्शन है। तो ये स्टेट वाइज आपको क्या दिया है, पूरा टैक्स कलेक्शन दिया है, समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा अभी सुनो, कमान, यू गाइज हैव विटनेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी जनरेशन बहुत लकी है, आपने डीमोनेटाइजेशन विटनेस किया है, आपने कोविड का लॉकडाउन विटनेस किया है, यू हैव स्टोरीज टू टेल टू योर चिल्ड्रन, नोबडी इज गोइंग टू सी लॉकडाउन अगेन, नोबडी इज गोइंग टू सी डीमोनेटाइजेशन अगेन। जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज द फर्स्ट टैक्स रिफॉर्म, पहला टैक्स रिफॉर्म है जीएसटी, बराबर है कि नहीं? सो आपने जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखा है, आपने आर्टिकल 370 का जाना देखा है, आपने कोविड देखा है, कोविड का लॉकडाउन देखा है, आपने डीमोनेटाइजेशन देखा है। क्या डीमोनेटाइजेशन सक्सेस था? वॉज इट अ सक्सेस? अच्छा क्यों लेके आए थे मोदी जी, क्यों डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे बताओ जरा? ब्लैक मनी। अच्छा व्हाट इज ब्लैक मनी? जिसपे टैक्स पे नहीं करते। अच्छा मान के चलो हमने आपसे कोचिंग फीस ले ली, कोचिंग फीस आपने कैश में दिया, ये अजम्पशन है, एसपीसी डजंट टेक एनीथिंग इन कैश, सो ऑल दिस इज ऑन, आई एम ऑन यूट्यूब सो आई हैव टू टेल यू दिस, एसपीसी डजंट टेक फीस इन कैश, इफ यू मस्ट हैव सीन, इफ यू गो टू पे द फीस दे ऑलवेज से डू इट ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, वी डोंट बिलीव इन कैश। अच्छा कैश में ट्रांजैक्शन कर ही दिया मतलब वो ब्लैक मनी है ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलो मेरे ऑफिस में नीचे स्टूडेंट आते हैं और वो 10,000 कैश में देके जाता है, मैं ऑफिस जाती हूँ वो 10,000 लेके आती हूँ एंड आई गिव इट टू माय अकाउंटेंट एंड ऐसे जाके इसको बैंक में भर दो, जब मुझे कैश मिलेगा आई विल से कैश अकाउंट डेबिट टू कोचिंग फीस एंड कोचिंग फीस विल गो इन माय PNL, इनकम में मैं रिकॉर्ड कर दूंगी एंड कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कोचिंग फीस 10,000 एंड देन आई पास अ कॉन्ट्रा एंट्री सेइंग बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू कैश 10,000, बराबर है? मतलब मैंने बुक्स में इनकम रिकॉर्ड कर दिया, आई हैव अकाउंटेड फॉर दैट कैश इन माई बुक्स। जब आप कैश को बुक्स में अकाउंट करते हो इट इज इनकम, बट अगर यही 10,000 मुझे मिल जाता है और मैं वो घर लेके ऑफिस से लेके घर के कबर्ड में रख देती हूं, अगले दिन और फीस आती है वो लेके कबर्ड में रख दी और रख दी और रख दी और रख दिया, ऐसे करते करते ब्लैक मनी हो गई। फिर मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन है, ये जो घर पे आपने नोट रखे वो तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, दैट इज ब्लैक मनी। एवरी कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट ब्लैक मनी। इज एवरी कैश ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी? नो, एवरी कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट ब्लैक मनी।
बराबर है क्या? अब हमें समझना है, अच्छा मैम फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ तो फायदा हुआ क्या? नहीं, आज उससे डबल ब्लैक मनी मार्केट में है, इतना फायदा नहीं हुआ। अच्छा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ क्या गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी कलेक्ट कर दिया? नहीं, जितना एक्सपेक्टेड था उतना फायदा नहीं हुआ। क्यों किया? ऑफ कोर्स बहुत से फायदे ऐसे हुए कि टेररिस्ट के पास वो जो फेक करेंसी की मशीन थी प्रिंटिंग की, वो उनकी बिगड़ गई, वो अभी फेक करेंसी नहीं चलेगा, इसलिए हम फिर क्या लेके आए, तभी 2000 का नोट लेके आए। 2000 का नोट इसलिए लेके आए क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट हमें कट डाउन करना था। अब 2000 का नोट लेके भी आया, फिर उसको गायब भी कर दिया। क्यों गायब कर दिया? आप किसी भी कंट्री देखना, डेवलप्ड कंट्री देखना, किसी भी कंट्री में इतना हाईएस्ट डिनोमिनेशन का करेंसी नोट नहीं होता है। यू कैन गूगल फॉर होमवर्क टुडे एंड लेट मी नो टुमारो। सी द सब्जेक्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड ना बेटा, इज अ सब्जेक्ट वेर यू हैव टू बी अपडेटेड, यू मस्ट नो द करंट अफेयर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। सो आप गूगल करके देखना यूएस में कितने डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 10 रुपया है, 20 रुपया है, 200 है, 100 है, और क्या है, 500 है, अभी 2000 है क्या? नहीं, इतना बड़ा डिनोमिनेशन कोई भी कंट्री में नहीं होता है। 2000 का नोट वॉज टेम्पररी ड्यूरिंग डिमोनिटाइजेशन, प्रिंटिंग कॉस्ट कम करना था। वो 500 की नोट इलीगल हो गई तो हमें 2000 की नोट लेके आनी पड़ी, एक मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा कम करना था, लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट था, तो इसलिए 2000 की नोट हमने क्या कर दी, गायब कर दी। तो मैम डीमोनेटाइजेशन से फायदा क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन से फायदा ये हुआ, 17-18 के बाद 1 करोड़ से टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ गया। कितने से? 1 करोड़ से टैक्स पेयर का नंबर बढ़ गया। लोग डरने लग गए, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। रिटर्न भरो, रिटर्न भरो। रिटर्न भरना क्या होता है ध्यान से सुनो बेटा, आप अभी फाउंडेशन क्लियर हो गए या आप आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करोगे, बराबर है कि नहीं? तो मुझे बोलो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट बताओ, रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करोगे? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस कोर्स में, एसी का टेम्परेचर ये करना है, बढ़ाना, आपको ठंड लग रही है क्या? यू ऑल ओके? हाँ सुबे इधर तो मुझे ही ये लग रहा है ब्लोज का, ए क्या है, ओके यू ऑल कंफर्टेबल विद एसी? ओके फाइन। अब सुनो, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, ए चला लवकर, मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे बताओ? एक फॉर्म फिल करोगे, प्लस आप क्या करोगे, फीस दोगे। वैसे ही जब आप कोई पैसे कमाते हो, इनकम कमाते हो, टैक्स पेयर है, आपको दो चीजें करनी होती है। पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना है, गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा टैक्स भी चाहिए और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वर्किंग चाहिए, कैसे टैक्स आया, कितना कमाया, क्या हुआ, सब कुछ हमें डिटेल में दे दो। तो आपको टैक्स भी देना है प्लस आपको एक फॉर्म भी भरना है, और ये जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न, ITR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? इनकम टैक्स रिटर्न। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न भरना है। गवर्नमेंट बोलते हैं सिर्फ तुम्हारा टैक्स नहीं चाहिए, ICAI भी बोलता है सिर्फ तुम्हारी टैक्स रजिस्ट्रेशन फी नहीं चाहिए, तुम कौन है, तुम्हारा नंबर, एड्रेस क्या है, वेयर यू स्टे, योर डिटेल्स, आर यू डायरेक्ट एंट्री, आर यू फाउंडेशन, योर मार्कशीट, वी नीड टू नो यू। बैंक में भी आप सिर्फ पैसे लेके जाओगे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा, बैंक शुड नो, KYC होता है, नो योर कस्टमर। बैंक बोलते पैन कार्ड लेके आओ, आधार लेके आओ, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो सेम वे टैक्स पेयर को दो चीजें करनी होती है। क्या करना होता है टैक्स पेयर को, जरूर फटाफट बोलो, टैक्स पेयर को क्या करना होता है? टैक्स भी पे करना है और फॉर्म भी फिल करना है। और टैक्स पेयर को ये टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म फिल करने में कौन हेल्प करेगा? CA विल हेल्प। अच्छा, कितने लोग, अपने इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, क्या पॉपुलेशन है? 140 करोड़, व्हीकल से 140 है ना, 140-150। कितने लोग टैक्स के रिटर्न्स भरते, टैक्स फाइल करते? 8-9 करोड़ लोग रिटर्न्स भरते। कितने? 8-9 करोड़। और उन 8-9 करोड़ के लिए सिर्फ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में है, उतने तो साल के इंजीनियर बनते। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140। आइक ना अमर, इतना ब्लो कमी करना जरा। इंडिया की पॉपुलेशन 140, टैक्स पेयर कितने? 8-9 करोड़। करो 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 140, कितने परसेंटेज है टैक्स पेयर्स हमारे?
क्या बोलो? 6%, रफली अभी वो 8% तक जा रहा है, थोड़ा सा नंबर बढ़ रहा है. आई ट्राई एंड शो यू द इनकम टैक्स वेबसाइट. आई जस्ट शो यू इट. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये वीडियो गैलरी नहीं, होम पे जाते हैं. मन की बात 25 अगस्त को आने वाली है. क्या रे तू तो इतना हंस क्यों रहा है बार बार? नहीं वो गया हंसने वाला. हाँ इनकम टैक्स gov.in. ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है. ई फाइलिंग, क्या बोला है यहां देखो, ई फाइलिंग. ई फाइलिंग मतलब क्या? रिटर्न भरने के लिए. रिटर्न अभी पेपरलेस रिटर्न हो गया, डिजिटल हो गया. गवर्नमेंट क्या हो गया? पूरा डिजिटल हो गया. सो दिस इज द साइट वेर व्हाट डू वी डू, रिटर्न फाइल करोगे आप. इंटर में इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो यू गोना डू दिस राइट. ये देखो रिटर्न, तो यहां पे एक स्टैटिस्टिक्स है. Let it just come. Yeah, loading. Are successful? Day, dekho. Number of returns filed. AY 24-25. What is AY? What is PY? I'll come to that. Assessment year, I'll come to that. But what is this return filed? Ab tak ke returns filed, July mein abhi due date thi ek return ki. Aur abhi aur returns jane wale. To 7 crores actually wo. 7 crores, 34 lakhs, 79,859. हम कल देखेंगे तो शायद ये नंबर बढ़ जाएगा, अभी इतना नहीं बढ़ेगा. दूसरा अभी रिटर्न की ड्यू डेट है अक्टूबर में, तो आप अगर अक्टूबर के बाद ये चेक करोगे तो यहां पे नंबर ड्रास्टिकली और बढ़ जाएगा. तो एज अभी जैसे एवरीडे रिटर्न इज फाइलिंग इज डन, ये ऑनलाइन अपडेट होते जाता है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ, अच्छा ऊपर देखो क्या है, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर. कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर, रजिस्टर्ड लोग कितने इनकम टैक्स में? 12,57,55,789. बराबर है क्या? बराबर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? इतने लोग रजिस्टर्ड है बट कमाई नहीं होती होगी तो रिटर्न नहीं भरते होंगे. रजिस्टर्ड है मतलब पैन है उनके पास. आपके पास पैन है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पैन? सो मेनी ऑफ यू हैव. ओके नाइस. देर एनीबडी हु इज नॉट हैविंग अ पैन, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. Not having a, you're not supposed to have PAN right now. Who's not having a PAN card? So not having a PAN. So there are few students who are not having because you're not earning income, right? Acha, but are you still paying taxes? No. Are you taxpayers? Yes. Yes, you are. Yes. And the coaching fees that you're going to pay, there's GST. Swiggy, Zomato karne pe GST lagta hai. You buy any damn thing, any goods and any services, you have to pay GST. You all are taxpayers. You all are taxpayers. Of course, you are not paying income tax because you don't have, yeah, you don't have any income, and that is why you are not paying income tax. But are you all paying GST? The answer is yes, you are paying GST. So this is the income tax website. यहाँ पे मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ. Here, if I come to this site, Income Tax India, confirm. It'll take time. Okay. आ गया. यहां हम देखेंगे ये क्या है. टैक्स लॉज एंड रूल्स दिख रहा है क्या आपको? लॉ. आई एम श्योर आपका यही डिस्कशन आज लॉ के लेक्चर में भी हुआ रहेगा. लॉ. और ये क्या है? ये एक्ट है. ये क्या है? एक्ट है. अच्छा फिलहाल लेटेस्ट अभी आप कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हो? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर आई शो यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टेल एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस लेक्चर, ऑल ऑफ यू शुड नो दिस, अंडरस्टैंड. फाइनेंस एक्ट 24 हमें पढ़ना है. ये अभी तक एक्ट बना नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, यहां देखो होता है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट. बजट आया ना, बजट 24, वो क्या बनने वाला है? एक्ट बनने वाला है. उस एक्ट का नाम क्या होगा? फाइनेंस एक्ट 24. और फाइनेंस एक्ट 24 का सिलेबस, जो फाइनेंस एक्ट के रूल्स है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मे 25 एग्जाम्स. तो ये जो मेरे लेक्चर्स है विल बी एप्लीकेबल फॉर मे 25, सितंबर 25 एंड जैन 26. तो
तो मैम ये सेम होगा, हाँ क्योंकि बजट तो साल में एक बार आता है, एग्जाम्स आपकी तीन बार आती है, बजट तो एक ही बार आता है ना, एग्जाम्स कितनी बार आती है, तीन बार। तो अगला जो बजट आएगा वो 25 होगा, वो कब से एप्लीकेबल होगा, May 26 से, बराबर है। जो मेरी लास्ट बैच थी दैट वाज एप्लीकेबल, अच्छा लास्ट बैच मतलब अभी जो जनवरी 25 का एग्जाम्स देंगे, सितंबर का एग्जाम, जनवरी कौन सा, हाँ 25, और अभी सितंबर 24 का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये जो अभी का बजट आया इंडेक्सेशन नो इंडेक्सेशन वो कुछ भी आपको एप्लीकेबल नहीं है। इनकम टैक्स में आपका सिलेबस हर ईयर चेंज होता है, बिकॉज एक्ट चेंजेस एवरी ईयर। सो डज योर सिलेबस चेंज एवरी ईयर? यस। तो मैं आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ाने वाली हूँ, फाइनेंस एक्ट 24। अभी वो एक्ट पास हुआ है क्या, बना है क्या, नहीं, अभी पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है उसकी, क्रिटिसिज्म हुआ बहुत ज्यादा इंडेक्सेशन का, इसलिए उन्होंने चेंज किया। अभी वो पास हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट, और एक्ट बनेगा तब हम वही सीखने वाले हैं अभी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, माय लेक्चर्स राइट नाउ आर एप्लीकेबल फॉर May 25, September 25, Jan 26। ये तीनों एग्जाम्स के लिए मैं जो पढ़ा रही हूँ ये एप्लीकेबल होगा। किसी का May 26 में एग्जाम आएगा तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है? ऑफ कोर्स पास हो जाओगे। कितने ऑप्शंस है अभी तुम्हारे पास, तीन तीन बार तो है ऑप्शंस। ओके, अब यहां देखेंगे, ये देखो टैक्स लॉज एंड रूल्स दिख रहा है क्या आपको, तो लॉ बड़ा है या एक्ट बड़ा है, लॉ बड़ा है, लॉ के अंदर एक्ट भी आएगा, रूल्स आएंगे, कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ सर्कुलर्स होते हैं, बराबर है? तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं। यहां से मैं आपको कुछ सेक्शंस भी दिखाऊंगी, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। अगर आप वो ब्लू लाइन देखोगे, ब्लू मार्क किया हुआ, पहले क्या लिखा है एक्ट, फिर नेक्स्ट ब्लू मार्क कहां है, रूल्स, फिर रूल्स के बाद क्या है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, फिर बजट एंड बिल्स एंड अलग अलग फॉर्म्स है। फिर समझ में आ गया क्या? Yes, so this is what we are going to study. So now let us get straight to the point. Main मुद्दे की बात पे आएंगे और मेरा आज मुद्दा जो है वो है इनकम टैक्स का। I will of course quickly give you a brief about difference between direct tax and indirect tax, and I'm going to immediately start teaching you income tax. In pre-result batch मैं थोड़ा सा slow जा रही थी, and the reason being the budget was not there. Now I know the budget, I know what is there. I'm going to bang on start now teaching you. So are we all ready? Yes. So we are going to number the notebook pages and we are going to write down about taxes. So quick first thing, tax क्यों लगाना चाहिए? अच्छा by the way, हमारा profession एक ऐसा profession है जहां पे सिर्फ 3 से 4 लाख chartered accountants all across India है और यहाँ कोई reservation नहीं है. It is the only profession where it is totally, totally only on merit. ठीक है? Yes. And you have a very big responsibility. You are a selected few students जिनको institute ने माना है कि आप capable हो of going ahead to the next level. So आपको बिल्कुल बहुत मेहनत करनी है and you have to get great and fantastic results. Okay? So let's start now. Notebook के pages numbered होंगे और पहला हम लिखेंगे basics. Live streaming students all ready? Thank you साक्षी. चलो live streaming students all ready बेटा? रेडी है? चलो. अच्छा टेल मी, व्हाई डज गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस? गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों कलेक्ट करेगी? उनको खर्चा करना है. ये मेट्रो बन रही है, हमने ही पैसे दिए गवर्नमेंट को, हमने ही पैसे दिए, हमने टैक्स पे किया है तो इसलिए मेट्रो बन रही है. डिफेंस का खर्चा हो रहा है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट को ये सब खर्चा करने के लिए क्या लगता है? पैसे लगते हैं. अच्छा जब बजट बनता है, बजट में पहले गवर्नमेंट क्या बोलती है? एक्सपेंसेस. बजट का स्पीच स्टार्ट होता है पार्ट ए से. पार्ट ए टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेस एंड देन पार्ट बी टॉक्स अबाउट इनकम. और जो बचेगा वो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो, बोरोइंग्स होती है, बोरोइंग्स होती है. जनरली वी हैव अ फिस्कल डेफिसिट. डेफिसिट मतलब हमारा खर्चा ज्यादा और इनकम कम. ये अच्छी बात होती है. डेफिसिट होता है हम लोन लेते हैं. ओके, ज्यादा डेफिसिट भी नहीं, वी लिमिटेड एंड कीप इट इन कंट्रोल. ठीक है क्या? यस yes. अब देखो, सो व्हाई डज गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस? सो फर्स्ट व्हाई, व्हाई टैक्सेस, लिखो व्हाई टैक्सेस. एवरीबडी इज गोइंग टू राइट. नेबर्स कीप चेकिंग, इफ योर नेबर इज नॉट नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस यू विल बी पनिश्ड. सो सी किसके बाजू में बैठना वो डिसाइड कर लो.
ठीक है, आपका नेबर अगर मैं आ रही हूँ घूम रही हूँ और आप मैंने देखे आपकी बुक नेबर की बुक नंबर नहीं है तो राइट एंड लेफ्ट वाला बाहर चला जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, समझा क्या? सो नेबर्स प्लीज चेक ईच अदर्स बुक्स, डू यू अंडरस्टैंड? नहीं लिख रहे वो? हाँ चलो, व्हाई टैक्सेस? गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मनी ऑन व्हाट? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मनी ऑन व्हाट? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या रे बोलो ना तुम, डिफेंस, हेल्थ के ऊपर हमने किया ना कोविड के टाइम, वैक्सीनेशन पे खर्चा किया कि नहीं? एंड जस्ट थैंक गॉड वी हैड आधार कार्ड, नहीं तो पूरा वैक्सीनेशन में ब्लैक मार्केट चलता। हॉस्पिटल बोलते गवर्नमेंट को, हाँ हाँ हमको वैक्सीन आ गए, हाँ 10 लोगों को दे दिया, किधर है वो 10 लोग? किधर भी नहीं है, गायब है वो। अगर अभी आधार है तो वो 10 लोग है। इट वॉज सच अ ग्रेट सिस्टम, आप वैक्सीन लेके आ रहे हो और आपका ऐप पे आधार पे नोटिफाइड हो गया, तो आधार वॉज वन गुड थिंग दैट वी डिड, थैंक गॉड वी हैड आधार। जब गवर्नमेंट ने आधार इनिशिएट किया, पता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लोगों ने पेटिशन फाइल किया था, क्या आधार हमको नहीं देने का, क्यों आधार चाहिए, बैंक से लिंक करो, पैन कार्ड से लिंक करो, क्या चल क्या रहे? गवर्नमेंट का जो लॉयर था, जो गवर्नमेंट की ओर से उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एंड ही सेड कितने लोगों के पास पासपोर्ट्स है, उन्होंने परसेंटेज दिया, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया हैव पासपोर्ट्स। कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? वेरी फ्यू। कितने लोगों के पास राशन कार्ड है? दैट इज ऑल बिलो पॉवर्टी। तो देयर इज नॉट वन थिंग, पैन कार्ड अभी आपने देखा 140 करोड़ में से कितने रजिस्टर्ड लोग हैं? 12 करोड़। क्या है हमारे पास ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट है जो हमारे सारे सिटीजन्स के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट है? नहीं। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट वन दिस केस एंड सुप्रीम कोर्ट गेव अ गो अहेड फॉर आधार, एंड सुप्रीम कोर्ट गेव अ गो अहेड फॉर आधार। समझ में आया? तो आधार बहुत ही अच्छी बात है, एक्सट्रीमली गुड थिंग दैट वी आर हैविंग एन आधार कार्ड। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस। तो चलो, व्हाई टैक्सेस? गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। आर यू गोना गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस? नो, वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, नोबडी इज गोना आस्क यू व्हाई टैक्सेस, मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इज डिराइव फ्रॉम व्हाट वर्ड, प्लीज वी आर नॉट डूइंग बीकॉम एग्जाम। हाँ, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नो नोबडी इज गोना टू आस्क यू, यू शुड जस्ट नो इट। We have better questions to ask. This is a professional exam. Everybody cannot crack this exam. You have to have a different approach to crack this exam. पढ़ाई हर कोई करता है, but exam हर कोई crack नहीं कर पाता। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये tips मैं आपको देती रहूंगी, ठीक है? Why taxes लिखा? चलो, who levies taxes? Who levies taxes? Government. Who levies taxes? Government. ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? मेजरली देयर इज डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स। लिख रहे क्या सब लोग? प्लीज नोट डाउन। आई क्लियर टैक्स इन मे 24। वाओ, शॉर्ट स्टबर्स, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस बेटा। जैसे तू आया वैसे वो आया है ऑनलाइन, ठीक है, ओके क्या? हाँ ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? मस्त इंटरएक्टिव सेशन करो एंड लेट्स बी वेरी क्विक अबाउट दिस। इज दिस अ वेरी मेजर पार्ट? नो, बट शुड यू नो दिस? यस, सो दैट इज व्हाई वी शुड नो। चलो फास्ट मुझे आप बताओगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको क्या पता है, आपको क्या जानकारी है, आप बता दो बिंदास्त। सो डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, ओके। ओह मैम, आर वी गोना गेट अ क्वेश्चन ऑन राइट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, गेट दैट वेरी क्लियर। आई विल टेल यू व्हाट थिंग्स यू शुड नो, व्हाट थिंग्स यू मस्ट लर्न फॉर एग्जाम, एंड कुछ ऐसी चीज है वो तो बिना लर्न किए आप एग्जाम पे जाने का डेयरिंग ही नहीं करना। 2-3-4-5 स्टार मार्क वाली कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट टैक्सेस आपने क्या बोला, यहीं पर लिख दो आप।
सो डायरेक्ट टैक्स एंड अ लाइन एंड इनडायरेक्ट टैक्स. रेडी? नोटबुक पेजेस टू बी नंबर्ड कंपल्सरी कंपल्सरी कंपल्सरी. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट दैट गोज फॉर यू ऑल्सो. पीडीजीडी स्टूडेंट्स ये आपके लिए भी है. जीडी स्टूडेंट्स डोंट वरी, वी हैव अ कनेक्ट जहां पे हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे वेबिनार के थ्रू. और मैं व्हाट्सएप नंबर है ये वाला 9112111, ओ गॉड आई फॉरगेट द नंबर, इट्स अ न्यू नंबर आई हैव टेकन, 4653 है ना. हाँ, आई हैव चेंज द नंबर, यस. सो आई हैव चेंज द नंबर, सो इट इज 4653. अच्छा, आप लोगों ने अगर इस नंबर पे मुझे क्वेरी पूछी फेस टू फेस वाला, तो देखना फिर मैं तुमको रोज इधर मिल रही हूँ. क्वेरी है तो इधर ही पूछो, समझा ना. अभी नंबर पे क्वेरी मत पूछो, मैम आई एम इन द क्लास एंड आई हैव दिस क्वेरी, कम एंड आस्क मी. इसको बोलते हैं डिजिटल विस्परिंग. क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल विस्परिंग. आई एम नेक्स्ट टू यू एंड यू आर सेंडिंग मी अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप. एंड क्लास में बैठा हुआ बच्चा, लास्ट बैच में ऐसा हुआ था, ही वॉज आस्किंग मी अ क्वेरी ऑन यूट्यूब एंड आई वॉज लाइक, अच्छा इस बच्चे की ये क्वेरी है, तो क्या क्वेरी है? वो उधर से हाथ उठा रहा है, मैम मैं इधर ही बैठा हूँ. अरे तो फिर इधर ही पूछना, यूट्यूब पे क्यों पूछ रहा है क्वेरी? समझ में आ रहा है क्या? सो नो डिजिटल विस्परिंग. इफ आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, वन ऑन वन बात करो, ठीक है ना? यस. सो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में, चला लौकर सांगा, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या सीन है? बोलो बोलो. टैक्सेस डायरेक्टली पेड. डायरेक्टली पेड मतलब जो पैसे कमा रहा है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है. मज्जा सुनो ना, तुमने जीएसटी स्विगी किया तो जीएसटी पे किया ना, गवर्नमेंट को जाके पे किया क्या? नहीं, यू डिडंट गो गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास नहीं गया टैक्स देने को. अरे आपने जीएसटी पे किया ना, स्विगी के बिल पे आया ना, जीएसटी लिख के आया था ना, तो आपने किसको पे किया? अच्छा, फिर स्विगी वाले ने गवर्नमेंट को पे किया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. अरे हाँ ना, आपने कोचिंग फीस पे करी एसपीसी को, फिर आप जीएसटी देने मोदी जी के पास गए? नहीं गए. एसपीसी विल गिव दैट जीएसटी टू गवर्नमेंट, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. बट इफ समबडी इज अर्निंग सैलरी, चमेली, कौन? नॉट चंपा. You will meet her in accounts. And Aishwarya. Yes. किधर मिलेंगे आपको? Accounts में. Income tax में कौन मिलेगी? Only Chameli. Yes. So Chameli works with Infosys. किधर काम करती है Chameli? हेमंत ने बोलो ना camera. हाँ, तो Chameli works where? Infosys. Salary कितना है? 50 lakhs. 50 lakhs she is earning. Who will pay tax? She will have to go and pay tax to the government. तो चमेली आएगा, कैमरा ऑन कर लेगा तू. सो चमेली क्या करेगी? She will go and pay tax to the government. तो चमेली ही government को जाके क्या pay करेगी? Tax pay. That means she is directly paying. But आपने जब स्विगी और जोमेटो किया, आप गए थे मोदी जी के पास? नहीं गए ना. मतलब आपने tax स्विगी वाले को दिया, स्विगी वाला tax government को देगा. This is called as इनडायरेक्ट टैक्सेशन. बेटा व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इनडायरेक्ट टैक्सेशन. बराबर है ना? अरे हाँ ना. हाँ, तो एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड. उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप स्विगी जोमैटो करते हो तो आप जीएसटी पे नहीं करते मोदी जी को, आप स्विगी वाले को देते हो, स्विगी वाला गवर्नमेंट को देता है. अच्छा, और दो तीन डिफरेंसेस बता दो तो एक साथ लिख लेंगे. और क्या है डायरेक्ट टैक्स? क्या है डायरेक्ट टैक्स? इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. कुटला माई कौन है बता दे बेटा. डायरेक्ट टैक्स बंद है, चालू है? चालू है, बोल. हाँ, माइक पास में ले. डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर. हाँ, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव. अच्छा, बैठ जा, करेक्ट. अब सुनो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट क्या बोलती है, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ना चाहिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सरचार्ज. क्या कॉन्सेप्ट है? सरचार्ज, एडिशनल टैक्स. पता है ये कौन देता है? ओनली दोज पीपल हु अर्न मोर देन 50 लैक्स. ओनली दोज पीपल हु अर्न मोर देन 50 लैक्स, दिस इज व्हाट सरचार्ज. वी आर ट्राइंग टू टैक्स ओनली रिच पीपल. सरचार्ज सबको लगता है क्या? सिर्फ उन्हीं लोगों को सरचार्ज देना है जिनकी कमाई 50 लैक्स के ऊपर है.
मतलब जिसकी कमाई 50 लाख के नीचे वो टैक्स सरचार्ज देंगे क्या? नहीं, प्रोग्रेसिव मतलब एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स शुड ऑल्सो इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं? जो ज्यादा कमा रहे हैं उन्होंने ज्यादा टैक्स देना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ ना, और जो कम कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देखो ना, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? मैंने स्विगी किया, अब स्विगी आम आदमी ने किया या स्विगी अम्बानी ने किया है? प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, प्राइस इज सेम, हाँ कि नहीं? तो हम ऐसे नहीं करते ना कि शॉपकीपर ऐसे नहीं करता है कि अच्छा ये अम्बानी के घर से ऑर्डर आया है तो गुड्स का एमआरपी थोड़ा बढ़ा के दे बोल लेते प्राइस, और ये आम आदमी आ रहा है तो ये प्रोडक्ट हम 100 रुपए के लिए देंगे, अम्बानी आया है तो ये प्रोडक्ट हम 200 के लिए देंगे। शॉपकीपर बोलेगा मैं क्या तुम्हारा इनकम देख के प्राइस डिसाइड करूंगा क्या? नहीं, नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि प्राइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। फिर हम कुछ तो आइडिया कर सकते क्या? या लग्जरीज पे हम ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं और नेसेसिटीज पे हम, वेरी गुड, लग्जरीज पे हम क्या करेंगे? ज्यादा टैक्स लगाएंगे और नेसेसिटीज पे कम टैक्स लगाएंगे। सुपर्ब, वेरी गुड। नाउ डायरेक्ट टैक्स का और कोई डिफरेंस किसी को पता है क्या? अच्छा पहले अब तक देखो, अब तक बोलो, अब तक हमने क्या सीखा? क्लास का क्लास में लर्न हो जाएगा, एकदम सीधा बैठने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, एक तो पॉजिटिव इससे बैठने का, एंड लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी, एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, डोंट टेक प्रेशर कि अरे बाप रे फिर खाना कितने बजे मिलेगा, फिर हमें ये, फिर बस से हम कब, अरे डोंट थिंक अबाउट आगे क्या होगा, एंजॉय द मोमेंट, योर लाइफ इज स्कैम। पेरेंट्स ने बोला बस तू 10th कर ले और कुछ नहीं चाहिए, फिर बोला तू 12th कर ले फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर तुमने भगवान को बोला फाउंडेशन पास करा तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर अभी तुम वापस इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, सीए बनने के बाद भी मैं भी पढ़ी रही हूं अभी तक, समझा क्या? सो वी ऑलवेज से कि कुछ ऐसा होगा फिर हम खुश होंगे, नहीं, लर्न टू बी हैप्पी इन वॉट एवर स्टेज इट इज एंड वेयर एवर यू आर, जस्ट एंजॉय दैट, मेक फ्रेंड्स, एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक प्रॉब्लम्स, हमारे दिमाग में ज्यादा होते रियल में नहीं होते वो, समझ में आया सबको? यस, तो देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, पहले फटाफट पहला डिफरेंस, चलो फटाफट, एवरीबडी विल सिट स्ट्रेट, फोकस, सबका एकदम फोकस होना चाहिए, फिनिश लर्निंग इन द क्लास, ओके? तो डायरेक्ट टैक्स में बताओ क्या होता है? वन, इट इज डायरेक्टली कलेक्ट, अरे इसीलिए तो उसका नाम डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्ट, इसीलिए तो उसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रिग्रेसिव, मतलब हम टैक्स बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए उस प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर, बराबर? ये दो डिफरेंसेस हो गए। अमर बग नेक्स्ट कौन देते हैं? माइक पास कर, नहीं तो कैमरा ऑन कर, हाँ उधर दे दे बेटा माइक, उधर दे दे तो कैमरा ऑन कर ना रेखा, हाँ बोलो, बोल बेटा, होल्ड इट क्लोजर, मैम इनडायरेक्ट टैक्स, होल्ड इट क्लोजर, ऑन है, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेम पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिफरेंट पर्सन, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। किसी और को कुछ और बोलना है? किधर दे दे, किधर दे देते दे दे, कहीं पर भी किसी को भी दे दे। बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शिफ्टेड, ओके। कुछ और बोलना है? गर्ल्स, anybody? No? यहाँ पे इधर दे दे माइक, उधर पास कर, अच्छा उसको दे दे, वो उसका बहुत चेहरा फिर हो गया, मैंने उधर बोल दिया तो एकदम अपसेट हो गया वो, नहीं ले ले बेटा तू बता दे। एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस डाटा, एक्सपेंसेस कलेक्टिंग, एक्सपेंसेस फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी मोर, एंड फॉर जीएसटी, फॉर इनडायरेक्ट टैक्स इट इज वेरी वेरी लेस, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ बेटा तुझे क्या बोलना था? हाँ क्या? मच इजियर, ओके, यस, हाँ हाँ, नॉट पेड ऑन इनकम, आई डोंट नो इट इज पेड ऑन व्हाट, सो यू आर सेइंग नॉट पेड ऑन इनकम, यस, इनकम टैक्स इज पेड ऑन इनकम एज द नेम सजेस्ट, बट जीएसटी नाम इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है ना, तो इट इज पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आंसर देने का, नाम से समझने का, जीएसटी क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज,
अच्छा वो बर्डन वाला पार्ट अभी सिर्फ मुझे समझाना है, वो समझा दो और फिर हम लिखना चालू करेंगे, ठीक है? अब सुनो, बर्डन क्या बोला रे, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ये चमेली है, ओ माय गॉड आई कांट ड्रॉ, ये चमेली है, ये कौन है? हंसो मत तुम, ये चमेली है, उसकी सैलरी कितनी है? तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चमेली पे मत करो, ओके? मुद्दे से भटकने का नहीं, मुद्दा चमेली का है या मुद्दा कॉन्सेप्ट का है? कॉन्सेप्ट का, सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। सो चमेली की सैलरी कितनी है? 50 लाख, ओके? हु विल पे दिस टैक्स, टैक्स किसकी जेब से जाएगा? सो टैक्स विल बी पेड बाय चमेली। हु विल गो टू अ सीए एंड आस्क द सीए कि यार मैं कैसे टैक्स, तुमको बोला ना टैक्स पेयर को दो चीजें करनी है, ध्यान दो, टैक्स पेयर को क्या करना है? दो चीजें करनी है, एक टैक्स पे करना है और एक फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चमेली की। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चमेली की है। बर्डन मतलब जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, बर्डन मतलब क्या, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? बर्डन बोलते हैं। सो टैक्स विल बी पेड बाय चमेली, द रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? चमेली। मतलब टैक्स एंड बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन इज ऑन चमेली। बट लेट्स लुक एट इनडायरेक्ट टैक्स, किस पे देखेंगे अभी अपन? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या सीन है देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में देयर इज अ शॉपकीपर, देयर इज अ शॉपकीपर, देन देयर इज अ कस्टमर। कौन है? कस्टमर, ये कस्टमर है, ओके? अब ये पैसे शॉपकीपर को देगा, अरे हाँ ना, फिर से तुम मुद्दे से भटकते हो। मुद्दा यहाँ कॉन्सेप्ट का है, और कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कस्टमर है वो किसको पैसे दे रहा है? शॉपकीपर। अब गवर्नमेंट पता है क्या शॉपकीपर को क्या बोलती है? ए शॉपकीपर इधर आ, तू ये तेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, हमारा टैक्स भी ले ले। यू जस्ट इमेजिन एसपीसी को कोचिंग फीस देते वक्त अगर गवर्नमेंट आप सबको बोलती थी कि तुम तुम्हारा टैक्स इंडिविजुअली पे करो, कितना तामझाम हो जाता। आप सबने पैसा एसपीसी को दिया, एसपीसी उसका टैक्स गवर्नमेंट को देगा। इट इज इजी फॉर गवर्नमेंट टू डील विथ वन एसपीसी रादर देन डीलिंग विथ सो मेनी ऑफ यू ऑल। कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। शॉपकीपर को ढूंढना और उसको ट्रैक करना आसान है रादर देन द लैक्स ऑफ कस्टमर्स। कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलते शॉपकीपर को? यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, हे कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, आर यू सेलिंग दिस प्रोडक्ट? यस आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 100, ऑन दैट कलेक्ट 18 रुपीज ऑफ टैक्स। सो आई विल कलेक्ट 100 प्लस 18 एंड द शॉपकीपर विल कीप 100 विथ हिम एंड ही विल गिव 18 टू गवर्नमेंट। 18 रुपीज का बर्डन किसके ऊपर है? किसकी जेब से पैसा गया? 18 रुपीज किसकी जेब से गया? कस्टमर। कस्टमर ने अपनी जेब से निकाल के 100 रुपीज भी दिए और 18 रुपीज भी दिया। तो बर्डन ऑफ पेइंग 18 रुपीज इज ऑन द कस्टमर। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? शॉपकीपर। अगर ये 18 रुपीज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा तो गवर्नमेंट जाके किसको पकड़ेगी? एग्जैक्टली, बिकॉज शॉपकीपर को बोला गया है। गवर्नमेंट ना शॉपकीपर को बोलेगी, इधर आ तेरा ट्रेडिंग अकाउंट दिखा, सेल कितना हुआ? 100 रुपीज, 100 रुपीज सेल्स पे 18 जीएसटी किधर है? सेल कितना हुआ? 50 लाख, 50 लाख का 18% टैक्स दो। तो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन योर सेल एंड लुक एट योर सेल एंड से तुमने इतना सेल किया ना, चलो इसका टैक्स दे दे। अभी तुमको तो हमने ऑप्शन दिया था कस्टमर से लेने का, अरे हाँ ना, मैंने कस्टमर से 100 रुपया लिया या 118 रुपीज लिया? 118, आई टुक हाउ मच फ्रॉम द कस्टमर फॉर दिस? 118, 100 फॉर माई प्रोडक्ट एंड 18 फॉर टैक्स। तो 18 रुपीज का बर्डन किसके ऊपर गया? कस्टमर। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सो बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स, बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स किसके ऊपर है? इज ऑन कस्टमर। But responsibility of paying that tax to government, who is responsible to pay to government? Responsible to pay to government. कौन responsible है? Shopkeeper. Shopkeeper is responsible to pay tax to pay tax to government. समझ में आ रहा है क्या?
shopkeeper is responsible to pay tax to government. So burden is on different person and responsibility is on different person. But in case of chameli, सेम पर्सन. वो अपना रिटर्न नहीं भरेगी लेकिन वो किसके पास जाएगी? सीए के पास. वो सीए के पास जाके बोलेगी कम ऑन टेल मी हाउ टू फाइल द रिटर्न, यू प्लीज फाइल द रिटर्न फॉर मी. तो मुझे टैक्स भी देना है और रिटर्न भी देना है. चमेली ने अपना टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट किसको पनिश करेगी? चमेली को. लेकिन अगर इस प्रोडक्ट पे ये 18 रुपीज गवर्नमेंट को नहीं मिला तो गवर्नमेंट किसको पनिश करेगी? शॉपकीपर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. आपने तो आपका काम एज अ कस्टमर कर दिया 18 रुपीज देके. समझा? अरे समझा ना? Yes. क्या नहीं समझा? डिफरेंस yes, समझा? कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में. जीरो मार्क्स, अब तक का सिलेबस जीरो मार्क्स. ओके यस. तो चलो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिख के लेंगे क्या एग्जाम पर? फटाफट लिखेंगे सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे. आज काफी हद तक इंट्रोडक्शन में कंप्लीट, मतलब आगे आगे जाके बहुत सी चीजें आपको आज सिखा दूंगी. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बेस्ड ऑन वेल्थ और इनकम जनरेटेड बाय पीपल. इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड ऑन परचेजिंग द आइटम्स. एब्सोल्युटली करेक्ट अनवर, एब्सोल्युटली. यस राधे राधे अजय. प्रोग्रेसिव नेचर वापस बताओ. ओके हितेश. प्रोग्रेसिव मतलब क्या? जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा. एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट्स विल इंक्रीज. बोलो, फिर से बोलो, सब रिपीट करो. एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट्स विल आल्सो इंक्रीज. फर्स्ट यू नो दे मस्ट हैव ट्रैवल्ड इनकम ना. ग्रुप टू में था वो. ग्रुप टू में वैसे ही सोता था. अच्छा, गुरुकुल में सोता था. हाँ, कितने बच्चे ग्रुप टू करके फिर अभी ग्रुप वन में आए? ओके, ग्रुप टू करके अभी ग्रुप वन में आए. ओके फाइन, गुड. ठीक है, चलो लिख के लेके अभी. ए, किसको नहीं समझा था? प्रोग्रेसिव समझा क्या? हु हैड आस्क्ड द क्वेरी? हितेश, तेरी क्वेरी सॉल्व हुई क्या? मैम, व्हाट इफ शॉपकीपर टेक्स फॉल्स जीएसटी एंड डजंट पे टू गवर्नमेंट? ही विल बी पनिश्ड. देयर इज प्रोविजन ओवर देयर. तुमको तो टैक्स पढ़ के घंटा भर, एक घंटा भी नहीं हुआ अभी तक, दो टू आवर्स हुआ है. समझ में आ रहा है? टैक्स पढ़ के हार्डली फ्यू आवर्स यू स्टडी द टैक्स. इनकम टैक्स एक्ट 1961 से है. गवर्नमेंट नोज ऑल दिस. तुम क्या जुगाड़ करने वाले हो, कहां टैक्स की चोरी करने वाले हो, सब पता है. तुम ऐसे मत समझना चार दिन टैक्स पढ़ लिया तुम्हें बहुत भारी है. नहीं, टैक्स बहुत भारी है और सब पे भारी पड़ता है वो, समझ के लो तुम. ठीक है. हाँ चलो स्टार्ट करते. लिखो डायरेक्ट टैक्स. लिखो इट इज डायरेक्टली पेड, इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट. इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड. प्री रिजल्ट वालों को वापस लिखना है. हाँ लिखोगे तो अच्छी बात होगी. क्यों नहीं लिखो ना फिर से. फ्लो अलग होगा, पॉइंट्स अलग हो सकते हैं. फ्लो टू फ्लो में थिंग्स कैन बी डिफरेंट ना रे बाबा. हाँ ना, एक सेकंड ना, मुझे जस्ट यूट्यूब का एक मिनट सिर्फ. लिखा क्या तुम लोगों ने? सेकंड डिफरेंस बोलो क्या है. हाँ सेकंड डिफरेंस बोलोगे क्या क्या है? प्रोग्रेसिव. सो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट्स आल्सो इंक्रीज. ये मैं आपको कल या परसों के लेक्चर में प्रैक्टिकली दिखा दूंगी. मैं आपको टैक्स रेट्स ही सिखा दूंगी कल या परसों. थोड़ा सा हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स करेंगे. पूरा थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, बट थोड़ा थ्योरी तो पढ़ाना पड़ेगा ना एक बेस रेडी करने के लिए. तो मैं भी कल या परसों के लेक्चर में हम टैक्स कैलकुलेशन भी कर देंगे, है ना? ओके ना. चलो लिखो डायरेक्ट टैक्सेस आर, यहां पे लिखो प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर. हाँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए टेलीग्राम चैनल होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, 7 दिनों बाद जब हम यूट्यूब से शिफ्ट हो जाएंगे ऐप पे. उसके कुछ दिन पहले, हम 1 या 2 दिन पहले आपका टेलीग्राम चैनल बना देंगे. ठीक है. चलो प्रोग्रेसिव इन नेचर लिखा. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? एज इनकम इंक्रीजेस. लिखो एज
Income increases. Tax rates also increase. एंड यहां क्या लिखते हैं? रिग्रेसिव. अच्छा, रिग्रेसिव मतलब ऐसा नहीं अभी सोचने का इनकम कम हो गया तो टैक्स का रेट कम हो जाएगा. द टैक्स रेट रिमेन्स द सेम, दैट इज रिग्रेसिव. समझा क्या? हाँ, रिग्रेसिव इन नेचर. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव इन नेचर? नेबर्स जस्ट चेक, इज एवरीबडी राइटिंग? आर योर नेबर्स राइटिंग? एंड नोटबुक हैज टू बी नंबर्ड. ओके, लिखो. टैक्स रेट्स रिमेन द सेम फॉर ऑल. मतलब अंबानी ने स्विगी किया या आम आदमी ने स्विगी किया, द रेट इज गोइंग टू बी द सेम. ऐसा नहीं कि अंबानी के घर से ऑर्डर है तो टैक्स का रेट बढ़ जाएगा. नो, द टैक्स रेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इज दैट क्लियर? यस. थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या था. इज द स्पीड ओके और इज इट फास्ट फॉर यू ऑल? इज दिस ओके फॉर यू ऑल? फैंटेस्टिक. चलो, थर्ड पॉइंट बोलो मुझे क्या है. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन. किसका एग्जाम्पल याद रखोगे? चमेली. सैलरी कौन कमा रहा है? चमेली. सो टैक्स के पैसे कौन देगा? चमेली. अपना रिटर्न फाइल करने की जवाबदारी किसकी है? चमेली की. तो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन. लिखो, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चांदनी. रुक जा, आई विल सॉल्व योर क्वेरी. फर्स्ट लेट्स राइट कॉन्सेप्ट के बाद अब क्वेरी पूछो, ठीक है ना? बट आई विल आंसर योर क्वेरी. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन, बरोबर है? और यहां क्या है? बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन्स. अच्छा, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? डिफरेंट पर्सन. यहां मुझे आपको एक पॉइंट बताना है, इधर मुझे एक पॉइंट बताना है. ध्यान से सुनना, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, देखो कैसे समझ में आता है आपको. रेडी? सुनोगे अभी आप? बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां क्या है? चमेली पे ही है. और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर था? बर्डन मतलब जो टैक्स का पैसा अपनी जेब से दे रहा है उसके ऊपर वो बर्डन है ना. टैक्स का पैसा कौन दे रहा है बेटा? कस्टमर. और गवर्नमेंट को देने की जवाबदारी किसकी है? शॉपकीपर. अब मत जा. शॉपकीपर गया मूवी देखने, दोस्त को बोला तू बैठ जा शॉप पे. उसको पता ही नहीं टैक्स लेना है, उसने तो 100 रुपए ले लिए सिर्फ. उसको पता ही नहीं टैक्स लेना है. शॉपकीपर कहां चला गया? मूवी देखने. उसकी जगह कौन बैठा? दोस्त बैठा. दोस्त ने क्या किया? 100 रुपए लिए, उसने तो 18 का टैक्स लिया ही नहीं. तो गवर्नमेंट भी बोल देगी क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम भूल गए ना लेने, मत देना टैक्स सेल पे. डू यू थिंक गवर्नमेंट विल से दैट? व्हाट विल गवर्नमेंट से? गिव. अभी अपनी जेब से पैसा दो. तुमको ऑप्शन था. क्या ऑप्शन था तुम्हारे पास? टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम. यू डिडंट डू इट, दैट्स योर मिस्टेक. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. एक मिनट फिर से बोलना. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड मतलब ऑन कस्टमर. आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू शिफ्ट द बर्डन. मैं क्यों मेरी जेब से दूंगी? आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू शिफ्ट द बर्डन. तो मैं दोस्त को बोलूंगी चल यार, क्या यार मैं मूवी देखने 18 रुपए का नुकसान हो गया. वो 18 रुपीज आई विल हैव टू पे फ्रॉम माई पॉकेट. जो 100 रुपया मिला उसमें से मुझे 18 किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट. अगली बार इफ आई गो फॉर अ मूवी और मैं दोस्त को बोलूंगा बैठे, तो मैं उसको पहले 10 बार वॉर्न करूंगी कि ये प्रोडक्ट बेचेगा ना तो 18 रुपीज टैक्स के भी लेना. आई विल ऑलवेज वॉन्ट द बर्डन ऑन कस्टमर बिकॉज आई एम लीगली अलाउड टू कलेक्ट. दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. मुझे मेरी जेब से देने का कोई लॉ नहीं है. आई एम अलाउड टू कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम द कस्टमर. तो जब आप फूड का बिल आता है प्लस स्विगी आपको जीएसटी लगाता है, इट्स लीगल. दे आर अलाउड टू कलेक्ट इट फ्रॉम यू. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो यहां एक सेंटेंस क्या लिखो. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मतलब ऑन कस्टमर. और बैकवर्ड. एंड बैकवर्ड मतलब
ऑन शॉपकीपर. अरे बराबर है ना, झेपता कि नहीं. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. बेटा फॉरवर्ड मंजे कस्टमर, एंड कस्टमर से नहीं लिया तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा तुम भूल गए ना कलेक्ट करना, कोई बात नहीं मत देना टैक्स. यू थिंक गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट? नो, दे विल से पे फ्रॉम योर पॉकेट. नाउ वी हैड गिवन यू द ऑप्शन टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर, यू डिडंट कलेक्ट, तो मैं क्या करूं? आपको तो टैक्स तो देना पड़ेगा. बराबर है क्या? सही है क्या? और क्या डिफरेंस था? हाँ ऑफकोर्स यस, यहां पे एडमिन कॉस्ट इज हाई, एडमिन कॉस्ट इज हाई. अच्छा इनडायरेक्ट में कम क्यों होगा एडमिन कॉस्ट? इमेजिन ना, एक अकेला एसपीसी इधर रिस्पॉन्सिबल है. अगर एसपीसी एक अकेला इन्वॉल्व है ना, अगर एसपीसी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो आप सब अपना अपना जीएसटी देने गवर्नमेंट के पास जाते. कितने लोग कलेक्ट करेंगे? उतना स्टाफ चाहिए, सब चाहिए. यहाँ गवर्नमेंट को किससे पैसा लेना है? सिर्फ एसपीसी. इतने सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, आपका जीएसटी कौन पे करेगा? एसपीसी. आपकी फीस में इंक्लूडेड है वो, हमने आपसे लिया है वो. बट हमने जो फीस लिया उसमें से हम 18% किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एडमिन कॉस्ट इज लेस वेयर इनडायरेक्ट टैक्स में. तो यहां पे हम लिखेंगे एडमिन कॉस्ट इज लेस. एडमिन कॉस्ट क्वेश्चन मार्क. बोलो श्रुति को डाउट है, एडमिन कॉस्ट मतलब क्या? कैश कलेक्शन का खर्चा. वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टाफ काम करता है, इन जीएसटी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं. ये क्या हो गया? ऑफिस होता है उनका, रेंट पे ऑफिस लेती है गवर्नमेंट, सो दे हैव अ डिपार्टमेंट. तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है. समझ में आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट समझा क्या? कॉस्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस. कॉस्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस, ऑफिस ओपन करना, स्टाफ रखना, ये सब क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. ध्यान में आया क्या सबको? यस. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट समझा क्या? गिव मी अ थम्स अप. व्हेन योर क्वेरीज आर सॉल्व्ड यू हैव टू सेंड मी अ थम्स अप. ओके. एग्जाम्पल बोलो, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी. एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बराबर है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. समझ में आ रहा है सबको? डू यू हैव टू लर्न दिस? आर यू गोना गेट दिस क्वेश्चन? नो, यू शुड जस्ट नो इट, राइट? ओके. नाउ डिफरेंट टैक्सेस एंड पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस. जाओ अगली कॉन्सेप्ट पे. पहले इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो. मेरा कॉन्सेप्ट होने के बाद आई विल गिव यू टाइम. यू हैव डाउट यू कैन आस्क. बेटा किसी को डाउट है क्या? किसी भी पॉइंट, मैम एनी पॉइंट. अच्छा डाउट है तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, क्या रे तुझे समझा नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी. ऐसे नहीं बोलूंगी, अरे इतना भी नहीं समझा, अरे इसीलिए तो क्लास लगाया ना तुमने, तुमको टैक्स नहीं आता इसीलिए तो आपने टैक्स लगाया, क्लास लगाया. तो आपकी डाउट सॉल्व करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डाउट पूछना, क्लास अटेंड करना, होमवर्क करना, मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना. सही है? ओके. हाँ अब डाउट पूछो. एक्साइज एंड कस्टम्स ड्यूटी भी आता है. यस आई एम अनुश्री, दैट इज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट पॉइंट. थैंक यू युग. ओके जाओ आगे. ओके अगला पॉइंट सुनो. वेर वुड आई हैव अ पिक्चर ऑफ मोदी जी एंड केजरीवाल? वेट लेट मी जस्ट सी, डू आई हैव द पिक्चर? या आई हैव इट. किधर है? इधर है. अब अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है? मज्जा. मैम विच कलेक्शन इज हाई, जीएसटी और इनकम टैक्स? जीएसटी बेटा. अरे जीएसटी इज हाई मतलब आपको ना थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया ना कुछ लगेगा भी नहीं. कल स्विगी वाले ने 2.5 टैक्स के बदले 3.5 ले लिया तो भी आपको पता भी नहीं चलेगा. इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया ना उसका पिंच फील नहीं होता है. डायरेक्ट टैक्स थोड़े से भी बढ़ गया ना तो लोगों को लगता है हाँ कितना टैक्स ले रहे, कितना टैक्स ले रहे गवर्नमेंट. इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बहुत इजीली कलेक्ट भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता. समझ में आ रहा है? सो किसका कलेक्शन ज्यादा है?
इनडायरेक्ट टैक्स का, और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम है, ठीक है। यस yes. अब ये क्या है, ये किसका पिक्चर है? मोदी जी एंड, अब केजरीवाल जी फिलहाल जेल में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस पिक्चर, सो वील स्टिक टू दैट ओनली। सो वॉट इज मोदी जी रिप्रेजेंटिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वॉट इज केजरीवाल रिप्रेजेंटिंग? स्टेट गवर्नमेंट। सो मोदी जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। केजरीवाल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट। अब मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड केजरीवाल इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, बराबर है? तो अब देखो, हमारे इंडिया में वी फॉलो थ्री टीयर सिस्टम। व्हाट डू वी फॉलो? थ्री टीयर सिस्टम। टायर नहीं बोलने का, क्या बोलने का? टीयर। वी फॉलो लेयर, टीयर मतलब लेयर्स, लेवल। हमारे हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? थ्री टीयर सिस्टम। लवकर, इन इंडिया वी फॉलो व्हाट? थ्री टीयर सिस्टम, बराबर है का? थ्री टीयर मतलब क्या? थ्री लेवल, थ्री लेवल। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव लोकल अथॉरिटी। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव लोकल अथॉरिटी। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, क्लास टीचर, मॉनिटर। मेरे घर से गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ, मेरे इधर की स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, तो मैं मोदी जी को कॉल नहीं करूंगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? लोकल अथॉरिटी, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो पावर्स आर गिवन टू ऑल थ्री, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है? कुछ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सम टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी। इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस है, एन नंबर ऑफ टैक्सेस। हाँ, बट मुद्दे से भटकने का नहीं, अभी फिलहाल अपना मुद्दा किस पे है? इनकम टैक्स पे। ज्यादा फोकस मैं किस पे करूंगी? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ाने के बाद मैं क्या सिखाऊंगी आपको? जीएसटी, बराबर है? यस yes. अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मोदी जी और केजरीवाल जी में झगड़ा हो गया। केजरीवाल बोलता है इनकम टैक्स मैं लगाऊंगा। देखो, मोदी जी जनरली इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी जो भी टैक्स बनाएंगे, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इट विल अप्लाई ओनली विद इन दैट स्टेट। फिर से बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स बनाती है और लॉ बनाती है, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स बनाता है, इट विल अप्लाई टू, बराबर है? अरे हाँ ना। और मोदी, और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बनाता है या लॉ बनाता है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ द स्टेट। तो केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली तो मेरा है, मेरी मर्जी, मुझे जो टैक्स लगाना है मैं लगा सकता हूं। मुझे दिल्ली में केजरीवाल टैक्स लगाना है, फलाना टैक्स लगाना है, मैं लगा सकता हूं। दिल्ली मेरी टेरिटरी है, इंडिया, होल ऑफ इंडिया मेरा टेरिटरी नहीं है, मैं कहां टैक्स लगा सकता हूं? दिल्ली में। तो ऐसा नहीं है। हु गिव्स पावर्स? इन दोनों के ऊपर एक है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको जो टैक्स लगाना है, आपको पावर्स, टैक्स लगाने के पावर्स कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बता दिया है कौन सा टैक्स आप लगा सकते हो और वो कौन लगाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकते हैं, एक ऐसी लिस्ट है जिसके टैक्सेस कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सम टैक्सेस कैन बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सम टैक्सेस कैन बी लेविड बाय द, एग्जैक्टली। तो केजरीवाल और मोदी जी को बोलेंगे आप झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होगा। फिर मैम जीएसटी का क्या? जीएसटी तो नया आया, फर्स्ट कब आया जीएसटी? फर्स्ट जुलाई 2017। जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ? फर्स्ट जुलाई 2017। जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जीएसटी नाम का टैक्स था ही नहीं। फिर जब गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जीएसटी लगाना चाहिए, तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल पास किया, उन्होंने बोला अमेंडमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर आया कि हाँ जीएसटी जैसा टैक्स होगा और ये लेवी किया जा सकता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद जीएसटी एक्ट पास किया गया। तो कोई भी नया टैक्स ऐसे ही नहीं लेवी होता, अ टैक्स मस्ट बी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर मोदी जी जनरली इनकम टैक्स, टेम्परेचर बढ़ाओ ना जरा, अभी ठंडा हो गया कि नहीं हो गया?
यू आर फीलिंग ओके, मुझे ही ठंड ये लग रहा है, ये टेम्परेचर थोड़ा वाढ़ो, काय टेम्परेचर है 22 इतना तरी है कर बाबा माला ब्लो तरी है कर क्या किधर तुमको भी ठंडा लग रहा है उधर थोड़ो हाँ आवाज बता रहे किधर आ रहा है ओके आर वी रेडी नाउ पे अटेंशन ओए पे अटेंशन सीधा बैठो हाँ रेडी भूख लगी है I told you, problem with the class is not going to be the class. The problem is going to be you are going to feel hungry in between. 5 minute का break दूँ आप इतने लोग बाहर कब जाओगे आओगे कब 10 minute का break दूँ आधा घंटा बेटा तू break ही ले तू directly कल ही आ जा class को 15 minutes first day इसलिए ठीक है ये इतना कॉन्सेप्ट बता के 7 to 8 मिनट्स का ब्रेक दूंगी ठीक है कि नहीं चाहिए खाना आपका 2 बजे है एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू कि फ्रॉम टुमारो यू हैव टू प्लान एवरी डे विल आई बी एबल टू गिव यू द ब्रेक नो देन वी लैग बिहाइंड इन द सिलेबस अच्छा मेरी क्लास हर संडे को होगी इस संडे को होगी कि नहीं मैं बताऊंगी आपको इस ए तू नहीं डिसाइड करेगा मैं डिसाइड करूंगी इस संडे को होगी कि नहीं आई एम द बॉस हियर आई विल टेक द डिसीजन यू हैव टू लिसन टू इट ही सेइंग नहीं मैम दिस संडे नहीं दैट आई विल डिसाइड आई विल इन्फॉर्म यू वेदर वी हैव क्लास दिस संडे और नो नहीं वाई दिस संडे बिकॉज जनरली संडेज को गुरुकुल से बस नहीं होती फिर पहला ही संडे आप वो यूट्यूब पे क्लास देखोगे तो आपको ऐसा नहीं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आई डोंट वॉन्ट दैट इश्यू टू हैपन दैट इज वाई आई विल कंसिडर आई विल सी कैन अ बस बी अरेंज इफ येस देन आई विल टेक अ क्लास इफ नो देन आई विल नॉट टेक अ क्लास बट हेंस फोर्थ ऑल other Sundays I will be taking a class is that clear yes, Sunday tumhara nahi hai mera bhi Sunday hi hai aur mera to CA banne ke baad wala Sunday hai tumko to hai na to tumhari ek batch hai mere liye last batch also all Sundays I have taken so every batch all Sundays are here last batch 3.5 months ki thi to maine I think 2 hi Sunday ko off diya tha otherwise not a single pure 3.5 months mein meri 2 chuttiyan thi not a single holiday we can't afford to take a holiday beta ye aapki bhalai ke liye syllabus jitna jaldi aur time se khatam ho jayega to kiska fayda hai usme fir main bhi aa rahi hu na aapke sath sunday ko mera bhi sunday hai na ha to sunday ko class hoti hai kya ha hoti hai hum khushi khushi aayenge sunday ki class ko तू चुप बैठ तू अभी सारी स्कीम चिल्ला चिल्ला के स्कीम मत बता पता है तुमको ठीक है अब सुनते पहले एक कॉन्सेप्ट देती हूँ फिर 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ सबको हु ऑल जेन्युइनली वांट अ ब्रेक टुडे वांट इट बी बिंदास इट्स ओके बहुत नखरे हो उसके ब्रेक भी चाहिए फिर 10 मिनट का भी होना चाहिए ठीक है नहीं ये ब्रेक हमेशा मिलने वाला है क्या आज फर्स्ट डे इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले वार्न नहीं किया था कि कुछ कैरी करो वहां एक बच्चा बैठ के खा रहा था ना आई वाज फीलिंग वेरी नाइस व्हेन ही वाज ईटिंग समथिंग सो इट्स गुड यू शुड ईट व्हिच इज ऑल राइट आई टोल्ड यू यू शुड ईट सो कैरी यू नो कैरी वो प्रोटीन बार चिक्की है ऐसा कुछ हेल्दी आप कैरी करो थोड़ा बिस्किट थोड़ा मीठा खाने से ना माइंड भी फ्रेश होता है सो यू शुड कैरी समथिंग हाँ थोड़ा मेरे साथ कभी कभी शेयर करना चलेगा चलो अब सुनते चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट 15 अगस्त की छुट्टी कोई नहीं है छुट्टी फॉरगेट 15 अगस्त फॉरगेट रक्षाबंधन देयर इज नो हॉलीडे एक्सेप्ट दिवाली ओके रक्षाबंधन में बच्चे नहीं आएंगे ओके चलो पे फोकस नाउ स्टे फोकस कम ऑन क्विक रेडी है क्या तुम सुनो मोदी जी जो भी टैक्स लेवी कर सकते हैं कौन सा टैक्स वो लगा सकते हैं ही कैन लेवी अ टैक्स विच इज इनकम टैक्स ओके सो मोदी जी इनकम टैक्स यूनियन की लिस्ट में आता है गवर्नमेंट ने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है इनकम टैक्स का एक्ट है ये कौन बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस विल वॉट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एंड वॉट एवर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड अप्लाइज टू होल ऑफ द स्टेट तो स्टेट में ही अप्लाई होता है माने कि मज्जा इनकम टैक्स एक्ट इज वन एंड सेम थ्रू आउट द कंट्री वेदर यू डू बिजनेस इन गुजरात
in Delhi, Jammu Kashmir, Andaman Nicobar, anywhere in India. Bihar wala kidhar gaya? So, wo UP ka hai. You do this business anywhere in India, you have same income tax rules. So, aisa nahi ki Gujarat mein aap kama rahe ho to aapko alag tax dena hai aur aap Maharashtra mein kama rahe ho to aapko alag tax dena hai. Tax ke rules, tax ke act is the same throughout the country and it is made, who makes this law? Central government. Parliament ye law banati hai. Who makes it? Parliament. Is that clear? Parliament is two houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Income Tax Act is made, is comes under Ministry of Finance. And who is the head of Ministry of Finance? Finance Minister Nirmala Sitharaman. She is giving her record, seventh time she gave her budget. This is a record which no other finance minister is having. She is the first full-time lady finance minister. Before her, it was Piyush Goyal who was the first chartered accountant to be the finance minister, Piyush Goyal ji. He was a CA, first CA to become a finance minister. Iske pehle ke sare finance ministers are Supreme Court advocates. Only Manmohan ji was an economist. Indira Gandhi ji bhi finance minister reh chuke, jab wo prime minister thi, wo part time portfolio finance ka wo khud dekhti thi. Do you understand that? Yes. ओके okay, अब देखो इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके कस्टम्स ड्यूटी, कुछ टैक्सेस के नाम सुन लो, कौन कलेक्ट करता है? फिर ये टैक्सेस क्यों लेवी होते हैं, मैं आज ही ये खत्म करूंगी. अलग अलग लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से टैक्स का क्या मतलब है, ये आज ही सब मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी. बराबर है? तो मैं आगे, क्योंकि बेसिक में मुझे आज एक्ट में सेक्शन सब सेक्शन वो भी सब कुछ आपके साथ कवर करना है. ठीक है, तो देखो इनकम टैक्स किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. कस्टम्स ड्यूटी किधर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद एक्साइज ड्यूटी किधर आता है? सर्विस टैक्स हुआ करता था, मर गया वो. और कौन आ गया अभी? जीएसटी. करेक्ट. एक वैट करके टैक्स है, वैट. वैट इज सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स. वो किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टैम्प ड्यूटी है, वो किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट. अब वैट पता है क्या आपको? जीएसटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पता है? जीएसटी में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? इट डजेंट कवर पेट्रोल. पेट्रोल डजेंट कम अंडर जीएसटी. तो यार फिर पेट्रोल पे क्या लगता है? वैट लगता है. और वैट कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट. इसीलिए पेट्रोल के प्राइसेस ऑल अक्रॉस इंडिया सेम नहीं है. देखो लॉजिक है सब चीज के पीछे. आर द पेट्रोल प्राइसेस सेम थ्रू आउट द कंट्री? नो, बिकॉज पेट्रोल पे क्या कौन सा टैक्स लेवी होता है? वैट. एंड वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से वैट का रेट डिसाइड करेगी. कैन यू जस्ट गूगल एंड टेल मी आपकी स्टेट में पेट्रोल सबसे चीपेस्ट कहां है? गोवा में चेक करो, अंडमान निकोबार में चेक करो. गूगल करो गोवा में पेट्रोल का. अरे गूगल करो ना, ऐसे क्या बैठा तू? गूगल कर. हाँ सिक्किम में सबसे कम है. अंडमान निकोबार में क्या प्राइस है? हाँ अंडमान निकोबार में प्राइस क्या है? 82.42 अंडमान निकोबार में. एंड गोवा में? गोवा में 96. महाराष्ट्र में 104. ठीक है 102 104 जो भी अभी आप चेक करोगे. आर यू रियलाइजिंग दैट प्राइजेस आर नॉट द सेम थ्रू आउट द कंट्री? तो बताओ आज क्या सीखा? पेट्रोल के प्राइजेस सेम क्यों नहीं है? क्योंकि पेट्रोल के ऊपर मैम वैट नाम का टैक्स लगता है. कौन सा टैक्स लगता है? वैट. अब ये टैक्सेस क्या है, कस्टम्स ड्यूटी क्या है, एक्साइज क्या है, वैट क्या है, ये मैं अभी समझाने वाली हूं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, राइट?
सो वैट नाम का टैक्स लगता है किसके ऊपर? पेट्रोल. वैट कौन लगाता है? तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से रेट लगाएगी कि नहीं? मुझे कोई बोल सकता है क्या? वो मेरी मर्जी है ना, आई हैव टू मेक रूल्स ऑन दैट. तो हर स्टेट अपने हिसाब से वैट का टैक्स का रेट लगाएगी, इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस आर नॉट द सेम. बट इनकम टैक्स का रेट आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो इंडिया में सब जगह इट इज गोइंग टू बी द सेम. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. So some taxes will come under state and some taxes will come under central government. ठीक है? Yes. तो ये अगला पार्ट है, तो should I give you exact 5 minutes break? Exact था, मैं टाइमर पे लगाऊंगी 5 minutes में. Exact next 6th or 7th minute you have to be here in the class and the class is going to start. So live streaming students, we're going to take exact 5 to 6 minutes का break. हाँ सुनो ना, आपका उधर खाके नहीं हुआ तो आप बिंदास इधर कैरी करो. कैरी इट हियर एंड ईट इट हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम. You can carry it here and eat it here. I have no problem. हाँ, लाओ लगा ब्रेक. हाँ, 2 मिनट. मुझे टाइमर लगाने दो. हाँ. हम लोगों का जैन अटेम्प्ट है ये. जैन 25 है तो ये नहीं चलेगा तुमको? नहीं चलेगा। कितने बच्चों का जैन 25 है? लास्ट बैच के लेक्चर्स देने पड़ेंगे. ब्रेक लगला का हेमंत? हाँ.
चेक चलो विल स्टार्ट। 7 मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स का टाइमर लगाया था, फिर मैंने 2 मिनट का और लगाया था, तो दिस वाज हाउ मच, ऑलमोस्ट 7 मिनट ब्रेक। सो यू शुड डू ऑल दिस व्हेन नाउ, आपको समझ में आया ना, ये ऐसा होने वाला है हमारे साथ डेली। सो यू हैव टू ईट समथिंग एट व्हाट टाइम, द ब्रेक बिटवीन लॉ एंड टैक्स क्लास ऑन के लेना हेमंत, यस। सो ऑल यूट्यूब स्टूडेंट्स आर यू गाइज बैक, चलो सब लोग बैक है क्या, आर यू ऑल बैक, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे बैक, कम बैक एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग, ओके। एंड यू कैन ईट व्हाइल, एक हाथ कुछ लिखने का रह गया, लीव स्पेस एंड यू कैन कॉपी इट अगेन, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, ओके। बट 15 मिनट्स में कभी कभी ये भी समझो कि ब्रेक में नॉट बी सफिशिएंट, आपका खाना भी कंप्लीट होगा, भीड़ होगी तभी बहुत, तो आपको इधर क्लास में लेके आना है, यू कैन ईट इट हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम इवन इफ यू ईट व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, बिकॉज खाली पेट आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स द फर्स्ट फोकस थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, डन, यस। अब लिखो, रेडी है क्या, राइट, लेट्स राइट डाउन, राइट। गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स, गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम Constitution of India, government derives its power from Constitution of India. लिखा क्या सबने, क्या हो गया रे, क्या क्या बोलते हैं, ओपन करूं देना एक, अरे नया है ये, गवर्नमेंट डिराइव्स इज न्यू कॉन्सेप्ट बेटा, जैसे बुलेट मार्क यू कैन गिव, गवर्नमेंट डिराइव्स इज पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखा क्या, लिखा सबने, आर्टिकल 246, ये आपको पता होना चाहिए,
आर्टिकल 246 ये आपको लर्न होना चाहिए. मैं लिख के दूंगी, लेट्स फिनिश राइटिंग एंड देन आई टेल यू कि यू हैव टू लर्न दिस, दिस यू शुड नो. बराबर. आर्टिकल क्या होता है पता है, जैसे एक्ट को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है ना बेटा. सुनो सुनो ध्यान से सुनो. ओके, एक्ट को किस में डिवाइड किया है, सेक्शन में. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल नंबर में डिवाइड किया है. वैसे ही किसको डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल नंबर्स में डिवाइड किया. आर्टिकल 370 क्या बोलते थे उसको, आर्टिकल. तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स. सही है क्या? यस. सो राइट डाउन, गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 246 consist of three list. कितनी list है बेटा? तीन list. बट देखो ये एक ब्रेक देना जरूरी था, नहीं तो आपको दो बजे तक स्ट्रेच करना मुश्किल हो जाता. सो माई जॉब इज नॉट जस्ट टू टीच, कम टीच एंड फिनिश. माई जॉब इज टू सी टू इट दैट यू इवन understand. If such kind of issues are there, I will understand that. But you also understand, every day giving a break is not going to be possible. अपना lecture का time क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So instead, carry something to eat. आपकी जो bag है उसमें हमेशा कुछ तो snacks आप carry कर दिया करो. जो dry snacks होते हैं, आप रहे, some dry fruits are there, चिक्की is there, some protein bar is there, biscuits are there. Keep it in your bag. Do you understand this? Yes. Okay. Article 346 consists of three list. Article 246, sorry. I said what? 346. Sorry. Article 246 consists of three list. ठीक है, कर ले बेटा, तू ऑडिट कर ले मेरा, है ना? Yes, consists of three list. So लिखो list one, union list. List two, state list. And list three, concurrent list. Concurrent का dictionary meaning क्या होता है? Common. Common. Concurrent का dictionary meaning क्या होता है बेटा? Common. Common list. सही है क्या? ठीक है. Concurrent का common dictionary meaning क्या है? Common. समझ में आ रहा है सबको? Everybody is understanding? ओके. अब हम देखेंगे कौन सा टैक्स कौन सी लिस्ट में आएगा. ठीक है, पहले मैं टैक्स के नाम दे दूंगी और उसके नीचे उस टैक्स का मतलब समझा दूंगी कि ये टैक्स क्यों लगता है, क्या है उसका नेचर, ऐसे करेंगे. तो यहां पे हम लोग करते हैं लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट. अच्छा, ये किसने दिया ये लिस्ट बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन ने. कहां है ये कॉन्स्टिट्यूशन के? 246 में. तीन लिस्ट है, सेवेंथ शेड्यूल. आर्टिकल 246 में कहां है ये? सेवेंथ शेड्यूल. I'll just show you the list also over here online. अच्छा, कुछ बच्चे जैसे क्लास में है जिनका जैन 25 का एग्जाम है, तो आप आके क्लास के बाद मुझसे मिलो. दे हैड कम टू मीट मी इन द ब्रेक कि हमने क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस है सिलेबस में, तो क्या करना चाहिए. तो विल डिस्कस आफ्टर द क्लास. बाकी सबका, मोस्ट ऑफ यू अटेम्प्ट कब है आपका? मे 25. तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ? मे 25, सितंबर 25, जैन 26. क्लियर? ओके. लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, एंड थोड़ा छोटा कॉलम चलेगा लिस्ट थ्री के लिए, विच इज कॉन्करेंट लिस्ट. ओ खुशी, थैंक यू सो मच बेटा खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आर वी ऑल सेट? रेडी? गुड. चलो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब ध्यान से सुनना, यूनियन लिस्ट में जो टैक्सेस मेंशन किए, यूनियन लिस्ट में क्या दिया है? यूनियन लिस्ट में गवर्नमेंट के फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ सीजी. सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस टैक्सेस दे कैन कलेक्ट, हु दे कैन कलेक्ट. स्टेट लिस्ट में किसके फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड टैक्सेस दैट स्टेट कैन कलेक्ट. सही ना?
आर यू ऑल राइटिंग? एकदम नीट एंड क्लीन बुक होनी चाहिए, बाद में नहीं होती, एकदम अच्छी आप बुक मेंटेन करो, पेजेस को नंबरिंग करो. ओके, तो यहाँ उनके फंक्शन भी दिए प्लस वो कौन से टैक्सेस लेवी करेंगे. बराबर, क्या बोलता है बताओ यूनियन लिस्ट, क्या बोलता है बेटा? उनके फंक्शंस भी है प्लस उनके टैक्सेस भी है. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस भी है और स्टेट के टैक्सेस भी है. और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के फंक्शंस है, फंक्शंस कॉमन फंक्शंस बाय, मतलब जो मिलके करेंगे, कॉमन फंक्शंस ऑफ किसके, सीजी प्लस एसजी. But there are no tax items. यहाँ कोई tax का item, कोई ऐसा tax नहीं है जो दोनों मिलकर लगाते हैं. मैम लेकिन GST तो लगाते हैं, ऐसा doubt आएगा आपको. GST दोनों लगाते हैं, याद आ रहा आपको? Swiggy Zomato करते हो ना आप, तो क्या होता है उधर? CGST भी लगता है और SGST. C मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, टैक्स का लेक्चर इज गोइंग टू बी लाइक अ मूवी. जब हम मूवी देखने जाते हैं हमें स्टार्टिंग में पूरी मूवी समझ में नहीं आती, हमारे मन में बहुत सवाल आते कि ऐसा क्यों हुआ, ये कौन कैरेक्टर है, सस्पेंस होता है. फिर जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती जाती है एंड में वी गेट ऑल कनेक्शंस. Tax is a new subject, so it is just like a movie. तो आपको पहले 10 मिनट 15 मिनट ऐसे खुद को टाइम दो. आप ऐसा मत बोलो कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा, डोंट डू दैट, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. ग्रेजुअली इट विल हैपन, एवरी डे आई हैव टू टीच यू न्यू. एकदम से मैं आपको बॉम्बार्ड करूंगी ना, मुझे सब आता है, लेकिन मैं एज अ टीचर आई शुड नो कौन सी चीज मुझे किस समय पर आपको बतानी है. मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया ना इन द इनिशियल डेज, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. फिर आपको लगेगा टैक्स नहीं झेप रहा है. There is like, you know, there's an age for everything. Age for driving license, age for voting, age for getting married. वैसे ही सही समय पे मैं आपको सही चीजें बताऊंगी. I can't tell you everything in one lecture. समझ में आता है? So I know how much to tell you when. And end of the class, movie के end में आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ये मेरी guarantee है. It will be one of your most favorite and interesting subject. I promise I'm going to do that. I promise I'm going to make it very easy for you guys. Just trust the process, enjoy the process. Don't take pressure. Do you understand that? Okay? Yes. So, ab dekho, there are no tax items in this. Ab union list mein kya kya aata hai? Pehla likho income tax. Dusra customs duty. प्री रिजल्ट में पढ़ लिया था, कोई बात नहीं है. प्री रिजल्ट का जो भी बेसिक है ना आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल से अपन ऐड पा रहे, समझा क्या? हाँ, क्योंकि प्री रिजल्ट में मैंने बेसिक को पीछे छोड़ के फिर क्या चालू किया था तुम्हारे साथ, रेसिडेंशियल. बेसिक मैंने स्किप किया था बिकॉज आई नो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने स्किप किया. तो आज भी हो सकता है कुछ नया, कल भी कुछ नया होगा, तो वो एक ही दिन का आपको लगेगा कि ये प्री रिजल्ट में हमने पढ़ा है. कल से अपन फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो, एक्साइज ड्यूटी. अयो कलर कौन सा आ गया? एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. हाँ बोलती हूँ या इस तरफ लिख के देती हूँ, रुको ऐसे लिखते अभी. अच्छा या तो लिख भी सकते हो, एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट ऑन अल्कोहल, एक्साइज ड्यूटी बट एक्सेप्ट ऑन अल्कोहल. क्या है मैं बताऊंगी, दो मिनट पहले लिस्ट बना दो ना, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? फिर कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स. अभी है क्या सर्विस टैक्स? लिख के क्या करने का, काट डालो. सर्विस टैक्स लिखो एंड देन जस्ट कट कर दो, बराबर है? ठीक है क्या? अब स्टेट लिस्ट में आ जाओ. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें और एक लिस्ट है, ठीक है लिखते हैं. वहां पे लिखो CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स.
you have to give me next 3 to 4 minutes and you will understand all this. 3 to 4 minutes patience रखने का. ऐसा music कि अरे बाप रे हाँ ये क्या बताया, ऐसे एकदम react नहीं करने का. Patience, जो यहाँ पे patience रखेगा वो इस exam को crack कर पाएगा. ऐसा ये नहीं होने का एकदम hyper. हाँ ये क्या लिखा है हमने, ये समझा ही नहीं, आगे का आप लिखोगे नहीं, आगे का सुनोगे नहीं, ऐसा नहीं react करने का. अगले 3 से 4 मिनट में ये सब समझ में आ जाएगा. बराबर है? चलो इस लिस्ट में लिखेंगे वैट. वैट मंजे का है सेल्स टैक्स. फिर लिखो स्टैंप ड्यूटी. टैक्स ऑन एग्रीकल्चर. और क्या है? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. लिखो अभी एक एक ये टैक्स कौन सा है वो बताती हूँ. ठीक है, रेडी है? ओहो रेडी है ना, लिखा ही है सबने. अब सुनो, अभी लिखना मत, अब मैं लिखती हूँ तुम समझो. फर्स्ट लेट इट गो इन टू द हेड एंड देन यू राइट डाउन. रेडी एवरीबडी? यस, कम ऑन, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर. बराबर है ना? हाँ, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, फोकस करो. चलो अब सुनो, वॉट इज इनकम टैक्स? इट इज टैक्स ऑन इनकम. नाम में ही पता चल रहा है, इट इज टैक्स ऑन इनकम. तो इनकम इस शब्द पे हम बहुत फोकस करेंगे. अच्छा मैम, क्या कोई कंट्री खर्चे पे टैक्स लगा सकती है? यस, व्हाई नॉट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो. आपने पैसे कमाए होंगे, मतलब आपने पहले अर्न किया, इसलिए तो आपने पहले कमाए, इसलिए आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो. आई कैन हैव टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, बट इंडिया हैजंट अडॉप्टेड दैट. वी हैव अडॉप्टेड इनकम टैक्स. That is why our act is called as Income Tax Act 1961. मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? Income Tax Act 1961 वाला? नहीं नहीं, as amended by Finance Act. अभी जो Finance Act के हिसाब से changes हुए वो वाला पढ़ाऊंगी आपको. But पढ़ेंगे तो Income Tax Act 1961. बराबर है? ध्यान दो, मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी देखो, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. ओके, कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये पहला टैक्स हो गया. दूसरा बोलो लिस्ट में क्या नाम है? कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम्स ड्यूटी इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. बराबर, इंपोर्ट और आप एयरपोर्ट से आते तो कस्टम क्लियरेंस होता है ना उधर. एयरपोर्ट से आते तो होता है ना, क्या लिखा होता है? कस्टम क्लियरेंस. अगर आप इंडिया से बाहर से कुछ बहुत प्रोडक्ट लेके आ गए हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस होता है. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो बोलते ना कि अरे मेरे गुड्स तो कस्टम क्लियरेंस में अटके हुए हैं, तो प्रोसेस होगा, फिर आई विल पे टैक्सेस. कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्ट आप फाइनल में सीखने वाले, इनडायरेक्ट टैक्स में. जीएसटी इंटर में सीखोगे, टैक्स इंट्रोड्यूस ही अभी इंटर में हुआ है, एक साथ पूरा नहीं सिखाएंगे आपको. बराबर है? कस्टम ड्यूटी का नाम कैसे आया? कस्टम मतलब ट्रेडिशन, पुराने कस्टम का मतलब क्या है? ट्रेडिशन. पुराने जमाने में किंगडम्स होते थे. अगर आपको किसी और के किंगडम में जाके अपनी दुकान खोलनी है तो आप राजा को भेंट वगैरह गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे. तो ये तब से चलते आ रहा है कि आई एम लिविंग इन किंगडम वन एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस इन किंगडम टू. तो मैं किंगडम टू के राजा के पास जाऊंगा, राजा को मिलने जाऊंगा और भेंट वगैरह लेके जाऊंगा, कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा, कॉइन्स लेके जाऊंगा. आई गिव हिम एज अ गिफ्ट एंड से प्लीज लेट मी डू बिजनेस इन योर किंगडम. आई से ओके फाइन. सो बाहर के गुड्स अगर आप इंडिया में लेके आओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी. एक्सपोर्ट पे हम ज्यादा नहीं लगाते कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करते हैं. क्यों? एक्सपोर्ट से हमें क्या मिलता है? फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? हमने लोन्स लिए फॉरेन से, डॉलर्स में लोन है, हमको रीपेमेंट करना है. तो जितना फॉरेन करेंसी हमारे पास होगा उतना अच्छा है.
वैसे भी इंडियन करेंसी की वैल्यू इज नॉट दैट ग्रेट, इट्स नॉट दैट ग्रेट. वी कैन मेक इट ग्रेट इफ वी फोकस मोर ऑन एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स. स्टॉप बाइंग एंड यूजिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स. इट्स एक्चुअली अ फैक्ट. मोदी जी हैड मेड एन अपील इन बिटवीन कि जो भी मैरिजेस हो रही है प्लीज डोंट गो आउटसाइड इंडिया. डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो डू इट इन इंडिया. इंडिया में अगर 500 करोड़ की आप शादी करोगे तो पैसा किसको मिलेगा? यहाँ के कैटरर को, यहाँ के डेकोरेटर को, यहाँ के डिजाइनर्स को, यहाँ के रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स को. और उसी से फिर और इकोनॉमी ग्रो होगी. करेक्ट है? What is customs duty? चलो, what is income tax? Tax on income. What is customs duty? Tax on imports and export. अभी कौन उस कस्टम ड्यूटी का मुद्दा आज है क्या? कस्टम ड्यूटी कहां सीखेंगे? फाइनल. आज का मुद्दा क्या है? इनकम टैक्स. बरोबर है. अब तीसरा, आपकी जो लिस्ट में वैसे मुझे नाम बोलो क्या है आगे. एक्साइज ड्यूटी. नाउ पे अटेंशन. आई नो एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर ऑन ह्यूमन कंजम्पशन. जस्ट होल्ड ऑन, लिसन. एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. किस पे लगता है ये टैक्स? मैन्युफैक्चर. एनीथिंग यू मैन्युफैक्चर आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी. यू मैन्युफैक्चर एनीथिंग यू हैव टू पे. यू मैन्युफैक्चर एनीथिंग यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी. हाउएवर, alcohol for human consumption has been given to state government. क्या 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 बोलो? Alcohol for human consumption has been given to state government. That is why some states are dry states. How states can decide we are going to be dry state? Because alcohol is a subject matter of state government. Logical. Bihar is a dry state. किधर है? मिलता है क्या बिहार में alcohol? हाँ, वही तो. मतलब इलीगली तो मिल ही जाता है ना. जहां पे आप बैन करते हो वहां पे वो इलीगली ब्लैक मार्केट में ज्यादा मिलता है. बराबर है कि नहीं? बिहार एंड गुजरात. बट गुजरात को गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट सिटी मिल गई. तो गिफ्ट सिटी में अल्कोहल अलाउड होगा. तो गुजरात इज अ ड्राई स्टेट. वाई मैम, वाई इज होल ऑफ इंडिया नॉट अ ड्राई स्टेट? बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. पेट्रोल के प्राइसेस अलग क्यों है? क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता बॉस, पेट्रोल पे वैट लगता है. वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑल गुड्स एक्सेप्ट. एंड एक चीज जान लो, जिस दिन आपको समझेगा ना, कोई लॉ है ना, एक्ट है, कोई लॉ है, उसका एक्सेप्शन होने ही वाला है. एवरी रूल इज गोइंग टू हैव सम एक्सेप्शन. एंड द डे यू अंडरस्टैंड दिस, योर लाइफ एंड माई लाइफ बिकम्स वेरी इजी. हर रूल का एक्सेप्शन होने वाला है. समझ में आता है क्या आपको? आईसीआर ने आपको बोल दिया 40-40-40 पे पासिंग है, फिर भी हो जाओगे क्या पास? एग्रीगेट भी चाहिए, एक से ज्यादा रूल्स भी होते हैं. एक चीज के लिए एक से ज्यादा रूल्स भी होते हैं, और हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन भी होता है. सो एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑल गुड्स एक्सेप्ट. एक्सेप्ट व्हाट? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. लिकर दो प्रकार की, इंडस्ट्रियल लिकर भी है. सैनिटाइजर क्या है? यू कैन ड्रिंक सैनिटाइजर, इट्स अल्कोहल. इट्स इंडस्ट्रियल लिकर. व्हाट इज सैनिटाइजर? इंडस्ट्रियल लिकर. इट्स लिकर बट यू कैन कंज्यूम इट. सो लिकर जो कंज्यूम कर सकते हैं अल्कोहल, दैट कम्स अंडर स्टेट एक्साइज. सो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये इस पे टैक्स कौन लगाता है? अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट. बट उसको छोड़ के, लिकर को छोड़ के एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसको कभी कभी सेंट्रल एक्साइज भी बोलते. क्या नाम देते हैं इसको? सेंट्रल एक्साइज. बिकॉज इट इज ऑन ऑल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग. शूज मैन्युफैक्चर किए तो एक्साइज. ये पहले हुआ करता था, ये ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स है. 1 जुलाई के बाद एक्साइज ड्यूटी चला गया, और एक्साइज के बदले अभी क्या लगेगा? जीएसटी. मैम क्यों ये ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस चले गए, क्यों जीएसटी आए? धीरे धीरे समझेंगे. एक साथ एक ही दिन में समझोगे तो हजम नहीं होगा आपको. फिर मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करोगे तुम. मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करने का नहीं,
समझ में आता है क्या? हाँ, अब सेंट्रल एक्स नेक्स्ट लिस्ट में बोलो ना क्या है। एक्साइज ड्यूटी के बाद क्या था? सर्विस टैक्स भी बोलो ना। हाँ वो पता है ना मुझे, टैक्स ऑन सर्विसेज। नाउ नॉट देयर, नाउ नॉट देयर, बरोबर है का? हाँ, नेक्स्ट टैक्स बोलो क्या है? सीएसटी। अब सीएसटी को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मत जा, अब ध्यान से सुनना, जस्ट लुक हियर एंड अंडरस्टैंड, ओके? लिसन टू एवरीथिंग लाइक अ स्टोरी, डोंट प्रेशर लेके मत बैठो, एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, ओके? यस। अब देखो, इफ आई वॉन्ट टू सेल समथिंग, यू नो सेल ऑफ गुड्स, बेटा क्या करते हैं अपन? सेल ऑफ गुड्स। हाँ मैम, वॉट अबाउट मेडिसिन? इट ऑल्सो हैज एल्कोहल, येस, बट इट वी डोंट ड्रिंक और कंज्यूम इट इज एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मेडिसिन कंटेन्स अ लिटिल क्वान्टिटी ऑफ एल्कोहल। आपका जो कोल्ड सिरप है उसमें होता है स्लाइटली, दैट इज वाई यू जनरली फील वेरी स्लीपी आफ्टर दीज हैवी डोसेज ऑफ मेडिसिन समटाइम्स। दे हैव अ लिटिल कंटेंट ऑफ एल्कोहल, बट इज इट सोल्ड एज एल्कोहल? उधर मुद्दा एल्कोहल का है या उधर मुद्दा मेडिसिन का है? तो मैं बोलती हूँ ना तुमको, मुद्दे से भटकने का नहीं, बरोबर है? कौन है ये? सुमन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? या ओके। अब सेल ऑफ गुड्स, देखो स्टूडेंट्स, इफ आई सेल गुड्स, लिसन ना, आई सेल गुड्स विद इन द स्टेट, कहां सेल करती हूं मैं? विद इन द स्टेट। गुड्स कहां सेल किए? विद इन द स्टेट। फिर उस स्टेट का वैट लगता है। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। इफ आई सेल गुड्स विद इन महाराष्ट्र, तो सेल्स टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स किसकी लिस्ट में आता है? स्टेट की। तो वैट, इफ आई सेल गुड्स विद इन महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र, उसको क्या बोलते हैं अपन, पता है क्या? इंट्रास्टेट। अयो, क्या बोलते हैं उसको अपन? इंट्रास्टेट सेल। क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट सेल। दिस इज इंट्रास्टेट सेल एंड वैट ऑफ दैट स्टेट विल अप्लाई, वैट ऑफ दैट स्टेट विल अप्लाई। मतलब महाराष्ट्र में सेल हुआ तो महाराष्ट्र का वैट लगेगा, दिल्ली के अंदर सेल किया तो दिल्ली वैट लगाएगा। अरे हाँ ना, ओके ना, कोई परेशानी नहीं है ना? डोंट सिट इन द क्लास लाइक दिस, ऐसे परेशान होके नहीं बैठने का, रिलैक्स होके बैठने का क्लास में, फर्स्ट थिंग, ओके? यस। अब देखो, इफ आई सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, बेटा कहां से कहां? वन स्टेट टू अनादर स्टेट। सो आई सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट, फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? वी कॉल इट इंटर स्टेट। अयो, क्या बोलते हैं अपन? इंटर स्टेट से। अब इधर स्टेट्स में झगड़ा होने लगा, गुड्स गए महाराष्ट्र से लेके दिल्ली, महाराष्ट्र बोलता है हम टैक्स लगाएंगे, दिल्ली बोलता है हम हमारा वैट लगाएंगे। बीच में दूसरा एक स्टेट आ गया, नहीं नहीं वो गुड जाते वक्त ना वो ट्रक हमारे स्टेट से क्रॉस हो गए, हम टैक्स लगाएंगे। फिर एक तीर और एक स्टेट आ गया, नहीं नहीं ये गुड्स के जो रॉ मटेरियल है ना वो तो हमने हमारे स्टेट से दिए, हम टैक्स लगाएंगे। सब स्टेट्स में होने लगा झगड़ा, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऑल द स्टेट्स कीप क्वाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज उसका नाम क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। लास्ट बेंच, फोकस, ओके? सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब लेवी करेंगे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुआ तो उस सेल को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। हु विल लेवी टैक्स ऑन दिस? फिर झगड़ा होने लगा, महाराष्ट्र बोलता है हम लगाएंगे, दिल्ली बोलता है हम लगाएंगे टैक्स। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, स्टेट्स ने अपना झगड़ा कहां तक लेके गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो कैंसल। कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी। सी एस टी फुल फॉर्म इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ऐसे केस में लेवी होता है सीएसटी। एंड और कहां मैं सेल कर सकती हूं? आई कैन सेल आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया आई कैन सेल विद इन द स्टेट, और आई कैन सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट, और थर्ड आई कैन सेल आउटसाइड इंडिया। व्हेन यू सेल आउटसाइड इंडिया इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स पे क्या लगता है? यस, तो पूरा सेलिंग पे बता दिया मैंने क्या सीन है। इसका एग्जाम्पल है सेल विद इन महाराष्ट्र,
रेहाना, और इसका एग्जाम्पल क्या दू, सेल फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली, इस पे क्या लेवी होगा, सीएसटी। अरे ओके ना, एंड इफ यू सेल आउटसाइड इंडिया तो क्या होगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, कस्टम ड्यू। अब देखो, चार मिनट पहले से अभी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई कि नहीं, तो इसलिए इम्पेशेंट नहीं होने का। इम्पेशेंट होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका ध्यान नहीं लगता है, आपको एक कॉन्सेप्ट में अटक गए ना आप। हैव पेशेंस, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टॉक टू यू, यू विल नो एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट है क्या? हाँ, सेल्स टैक्स की बात बोलो, नेक्स्ट कौन सा टैक्स है? सीएसटी कवर कर दिया मतलब मैंने, हाँ। सीएसटी के बाद अभी स्टेट की लिस्ट में आओ, क्या है, वैट। तो वैट कवर हो गया, हाँ। उसके बाद क्या है, स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, पहले स्टैम्प ड्यूटी के पहले जितना है लिखा हुआ पहले लिख के लोगे क्या आप, हाँ, 1 to 5 ये पॉइंट्स लिख के लोगे क्या? चलो लिखते हैं फिर, 1 to 5 लेट्स राइट डाउन। आईजीएसटी, जीएसटी के बारे में बताऊंगी बेटा, बताऊंगी, रुक जा जरा। यस चिन्मयी, यू सीम टू बी फ्रॉम प्री रिजल्ट, व्हाट अबाउट मेडिसिंस? लिख रहा है क्या तू, फिर से लिख रहा है तू, क्यों रफ बुक है क्या तेरी? मैम फेयर में मैंने भी लिखा, हाँ फेयर में मैंने भी लिखा, मतलब मेन कॉपी में मैंने भी ये सेम चीज़। अच्छा, लिखी हुई है तेरी ऑलरेडी, हाँ, प्री रिजल्ट के पर नहीं, ठीक है। लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम है तो पूछो। प्लीज नंबर योर नोटबुक पेजेस एज यू प्रोसीड, प्लीज कीप नंबरिंग द नोटबुक पेजेस, प्लीज। दो तीन दिन रिक्वेस्ट करूंगी, उसके बाद क्या क्या स्क्रॉल करूं, हो गया क्या? फोर्थ पॉइंट तक लिख के हो गया, शुड आई स्क्रॉल? ओके, फिफ्थ वाले के लिए, हाँ आई विल स्क्रॉल। ओके, फिर किसी को नहीं स्क्रॉल चाहिए, किसी को ऊपर नीचे, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार श्रुति, कौन सा वाला बेटा? लास्ट पॉइंट मतलब पूरा सेल ऑफ गुड्स रिपीट करूं श्रुति? ओके, आई विल एक्सप्लेन द सेल्स ऑफ गुड वाला पार्ट अगेन, ठीक है। गुड्स बेचने पे दिस यूज टू हैपन व्हेन बेटा, दिस वाज एप्लीकेबल, एक तो आप यहां पे लिखो बिफोर 1 जुलाई 2017, क्योंकि 1 जुलाई 2017 के बाद गुड्स बेचने पे क्या लगेगा, जीएसटी। 1 जुलाई 2017 के पहले वैट और सेल्स टैक्स होता था, 1 जुलाई 2017 के बाद क्या लगेगा, जीएसटी। आर वी ऑल ओके विद दिस? ओहो, वी आर ओके ना,
हाँ तो अब देखो मैम सॉन्ग सॉन्ग प्ले करो, वो सब लाइक 3-4 दिन होने दो पहले यूट्यूब पे अपन, फिर लिखते लिखते कभी कभी गाना प्ले करेंगे, मैं आपको ब्रेक्स दूंगी एडिक्वेट, डोंट वरी, दिस फुल 3 आवर्स एंड व्हाटएवर 15 मिनट्स आई हैव गॉट एंजॉय करते करते करेंगे, डोंट वरी, जस्ट अ फर्स्ट फ्यू डेज लेट इट जस्ट गो बाय एंड देन वी आर ऑल सेट, ठीक है? कंपाइलर का शायद सॉफ्ट कॉपी दे पाऊंगी ऐसे मुझे लग रहा है विथ योर, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्यों? क्योंकि अभी एक्ट अभी आया है, चेंजेस होंगे, कंपाइलर मतलब आई हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एज पर दिस, सो आई विल टेक अ कॉल, अगर मेरा कंप्लीट हो गया प्रिंटिंग होने तक, आपको बुक्स डिस्पैच तक, तो हार्ड कॉपी मिलेगा वरना पीडीएफ मिलेगा, विच इज ओके, इट्स जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ना, दैट्स एडिशनल प्रैक्टिस, उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. विभूति डन, अभी सुनो, चलो रे, ए लिखा क्या, चला लवकर सांगा मला लवकर. सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स इज व्हाट, सेलिंग ऑफ गुड्स. अच्छा, इफ आई सेल गुड्स विद इन द स्टेट तो क्या लगेगा, वैट ऑफ दैट स्टेट, वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ आई सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर देन सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, व्हाट इज दैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, एंड इफ आई सेल गुड्स आउटसाइड इंडिया दिस इज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स कम अंडर कस्टम्स ड्यूटी, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, एक्सपोर्ट्स कम अंडर कस्टम ड्यूटी, बराबर है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, पक्का, नोबडी हैविंग एनी क्वेरी ओवर हियर, यस श्रुति इज योर क्वेरी सॉल्व, यस मैम मेरा क्वेश्चन बताओ, हितेश तेरा क्वेश्चन अभी ऊपर चला गया, फिर से भेज, आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द चैट ना बेटा, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद चैट देखती हूँ, तो इफ यू से मैम मेरा क्वेश्चन बताओ तो इट्स ऑलरेडी गॉन अप, सेंड इट अगेन, रीसेंड इट, एंड आखिरी के 5 मिनट है, वेट हियर टू सॉल्व योर क्वेरी, सो डोंट वरी, ठीक है, ये हो गया पक्का, सेल्स टैक्स क्लियर है, विद इन द स्टेट सेल किया तो वैट ऑफ दैट स्टेट, वन स्टेट टू अनादर किया तो सीएसटी, CST is a subject matter of central government. VAT is a subject matter of state government. सारे taxes अगर central government ने लिए तो state government अपना काम कैसे करेगी? Not possible. Okay? Now just 1 minute. I'll just show you the union list meanwhile. Union list of ये देखो, एक मिनट, यूनियन लिस्ट आपको दिखा रही हूं, लिस्ट है ना, 7th शेड्यूल, आर्टिकल देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 246, शेड्यूल कौन सा है, 7th शेड्यूल, ये लर्न करना है, 7th शेड्यूल पता होना चाहिए, आर्टिकल 246 पता होना चाहिए, और उधर 3 लिस्ट है, ये पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो, ओके, यस, सो पहला देखो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है उस लिस्ट में, डिफेंस, तो डिफेंस ये किसके लिस्ट पावर्स में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी को, नेवी को कौन ऑर्डर्स दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का सीएम उधर जाके उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, डू यू अंडरस्टैंड, ये किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस है, नेवी है, एयरफोर्सेज, ऐसे देखो बहुत सी चीजें, नेवल आर्म्स, अटोमिक एनर्जी, सेंट्रल सीबीआई, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, सेंट्रल ब्यूरो, तो कौन ऑर्डर करता है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक दिस, सी सो मेनी लिस्ट इज देयर, मतलब यहां गवर्नमेंट के फंक्शंस भी है और टैक्सेस भी है, एग्जैक्टली सीरियल नंबर 82, कौन सा सीरियल नंबर 82, ये देखो 14, वॉर, पीस, सिटीजनशिप, पिलग्रिमेज, रेलवेज, रेलवेज किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो 82, 82, 82, ये देखो, ये सब ये आपको लर्न नहीं करना है, ये मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है, तो देखो बैंकिंग कम्स अंडर देम, आ गया क्या 82, आ गया, देखो 82 देखो क्या है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्यों, एग्रीकल्चरल इनकम किस पे आता है, स्टेट की लिस्ट में आता है, आज तक कोई एग्रीकल्चर पे किसी ने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इट्स अ वोटिंग, वोट बैंक का इशू है ये, हम लगाना चाहते हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स, लेकिन कौन लगाएगा, फर्स्ट गवर्नमेंट कौन होगा ये मूव करने के लिए, वोटिंग बैंक चला जाएगा सारा फार्मर्स का, हाँ देर आर फार्मर्स
who are really not earning that great, we should support them. उनका लोन हमने माफ कर देना चाहिए, जितना सपोर्ट हो सके सब्सिडी फॉर्म में हमने देना चाहिए. बट ऐसे भी फार्मर्स है who are doing really very very well and they are earning in crores of rupees. करेक्ट. सो 82 पे क्या आया? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, ड्यूटीज ऑफ कस्टम. कस्टम ड्यूटी किधर आया? सेंट्रल की लिस्ट में. ये मैं कौन सी लिस्ट पढ़ रही हूँ? यूनियन लिस्ट. गाइज विच लिस्ट आर वी रीडिंग? यूनियन लिस्ट. हाउ मेनी लिस्ट आर देयर? थ्री. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ. वहां पे गवर्नमेंट के फंक्शन भी है. अटोमिक एनर्जी, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, मिलिट्री, बैंकिंग. ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. लेकिन ये काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए. तो कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर अदर देन लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, इसके ऊपर भी स्टेट लगाती है. ये बहुत डिटेल में, नार्कोटिक, हेम्प, ये सब क्या है? इनसे ड्रग्स, ओपीएम एंड नार्कोटिक, इससे क्या बनता है? ड्रग्स बनते हैं. दवाइयां भी बन सकती है, एक्सेस यूज किया तो ड्रग्स भी बनते हैं. सो ये डिटेल में कहां पढ़ाऊंगी आपको? जीएसटी के टाइम. आज आपने किस पे से फोकस करना है? अल्कोहलिक लिकर. ये मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा रही हूं. समझ में आ गया क्या आपको? कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह वगैरह, ये देखो ये सब क्या है. ये सारी लिस्ट दी गई है. व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. कोई अलग टैक्स नहीं. व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? इनकम टैक्स पेड बाय कंपनीज. ये मैंने जस्ट आपको क्या गूगल करके दिखाया? यूनियन लिस्ट. कौन सा आर्टिकल, कौन सा शेड्यूल, बराबर है? यस. तो ऐसे ही कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट भी है और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है. आपको ये सब पूरी लिस्ट लर्न करनी है क्या? नहीं. हमारा मुद्दा क्या है? टैक्स का. सो यू मस्ट नो हियर, ये जो इनकम टैक्स है मैं आपको लिख के दूंगी. एक्चुअली नीचे हम नोट लिखेंगे कि इनकम टैक्स हेडलाइन लिखो. हेडलाइन, हेडलाइन क्या होता है? आपकी जो नोटबुक है, टॉप रेड मार्जिन है ना, हर पेज के ऊपर एक मार्जिन है आपको, टॉप मार्जिन, दैट इज कॉल्ड एज हेडलाइन. मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडलाइन में लिख के दूंगी. सो मैंने हेडलाइन बोला मतलब मैम मैं नोटबुक के पेज में अलग कलर पेन से लिखता हूं, नहीं चलेगा. यू बेटर फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस इन द क्लास. ओके, डोंट गेट स्केयर्ड बट जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. इज दैट ओके? यस. व्हाट इज दैट टॉप रेट मार्जिन को हम क्या बोलते हैं? हेडलाइंस. अयो, टॉप रेट मार्जिन को क्या बोलते हैं? हेडलाइंस. तो आज की ताजा खबर हेडलाइन है एंट्री नंबर 82. लिखो डायरेक्टली, लिखने का चालू करने का. हेडलाइन, हेडलाइन एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट. एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स पावर्स टू सीजी, गिव्स पावर्स टू सीजी to levy, gives powers to CG to levy income tax, gives powers to CG to levy what? Yeah, so it gives powers to the central government to levy income tax. So entry number 82 of union list. Should you learn this entry number? Yes, you should learn this entry number. और एक headline, backward लिखो, backward. इसके पहले वाले पेज में लिखो और एक headline. ठीक है, हेडलाइंस कैन गो फॉरवर्ड बैकवर्ड एनी हाउ. नहीं मैम, उसी कॉन्सेप्ट का हेडलाइन उधर ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, और एक हेडलाइन लिखो. आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल, मैं बोलती हूं ऐसा हो कि आपको डर लगता है? कुछ भी, मेरे को बदनाम मत करो. चलो क्या बोल रही हूं मैं. आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल गिव्स थ्री लिस्ट. गिव्स हाउ मेनी लिस्ट बेटा? थ्री लिस्ट. लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री. ओके, आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल गिव्स थ्री लिस्ट. लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री. खत्म.
Why does state government collect taxes if it getting funds from the government? Acha, you keep getting pocket money from your parents, so you will not start earning. You will also want to earn on your own, right? Yes. So state government also has to collect some taxes. Unko dene chahiye. Central government mujhe kitne funds degi ye? Main how can I depend on them? You have to be independent also. Correct, no? टेरिटरी लिस्ट क्या है? टेरिटरी लिस्ट किधर बोला है मैंने? नो, थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा. चलो ये लिखे हो गया. अब स्टैम्प ड्यूटी पे आते हैं. किस पे आते हैं? बस हो गया. यू ऑल हैव सैट थ्रू द कंप्लीट लेक्चर जस्ट लास्ट 15 मिनट्स नाउ. 2 o'clock के लिए अभी कितना टाइम बचा है? 15 मिनट्स. वेरी वेल डन ऑन द फर्स्ट डे. एक्सीलेंट. वेरी गुड. वेरी गुड. स्टैम्प ड्यूटी बताओ. स्टैम्प ड्यूटी क्या है? एक किसी को पता है स्टैम्प ड्यूटी क्या है? एक मिनट. गायत्री बोलती है मैम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पॉइंट समझ नहीं आया. अल्कोहल मैन्युफैक्चर करने पे स्टेट एक्साइज लगता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है. शूज मैन्युफैक्चर करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा. कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा. लेकिन अल्कोहल मैन्युफैक्चर करोगे तो कौन टैक्स लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. सो अल्कोहल कम्स अंडर स्टेट लिस्ट एंड ऑल द अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कम इन द सेंट्रल लिस्ट. अब समझा क्या? ठीक है. आर वी ऑल डन? हाँ चलो. स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बताओ. किसी को पता है क्या? ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर मैं तो थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ. एक प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है ना, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है. ये बाइंग और सेलिंग के टाइम लगता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टैम्प ड्यूटी कभी लगता है? बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग. तो सेल और बाय का ट्रांजेक्शन होता है तो जनरली द परचेजर पेज स्टैम्प ड्यूटी. अब ध्यान से सुनना. ओके मिस्टर सतरंगी सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी टू नारंगी. मुद्दे से भटकने का नहीं. सतरंगी सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी टू नारंगी फॉर रुपीज 50 lakhs. ए फॉर व्हाट प्राइस? 50 lakhs. हु इज द सेलर? हु इज द बायर? तो टैक्स कौन? यहां क्या लगेगा? नारंगी विल हैव टू पे. विल हैव टू पे. विल हैव टू अयो पे स्टैम्प ड्यूटी. एंड ये स्टैम्प ड्यूटी के लॉस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. तो मैम क्या रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है? हर स्टेट का अपना अपना होगा. हर स्टेट का अलग अलग होता है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ. स्टैम्प ड्यूटी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. वो लिस्ट 2 में आता है. झिपता क्या? हाँ. तो नारंगी विल हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी. लेट्स से अज्यूम अगर स्टैम्प ड्यूटी का रेट अज्यूम लेट्स से इट्स एट 10%. सो 10% ऑन 50 lakhs. तो आपको गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5. ये किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा देन नारंगी इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 10 years. देन एवरी ईयर ही विल हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. Narangi is the owner of this property for 10 years. Now he will have to pay tax for 10 years and that tax is going to be called as property tax. Ask your parents today, are we paying property tax, local tax, municipal tax? Alag alag naam hai iske. Ye kon levy karta hai? Local authority. और उसके बदले में आपको क्या देते हैं? वो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट क्लीनिंग, स्ट्रीट मेंटेनेंस, लाइट्स एंड ऑल दैट. दे गिव यू ऑल दिस लोकल अथॉरिटीज. पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आप जिस सिटी में रहते हो वहां की लोकल अथॉरिटी होती है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इट कैन बी कॉल्ड एज म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स. अलग अलग नाम हो सकते हैं. कब देना पड़ेगा? अगर यू आर अ ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एवरी ईयर यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना हर साल. स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ एक ही बार खरीदने के टाइम पे करना है. खरीदने के बाद आप जब तक उस प्रॉपर्टी के ओनर हो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. जैसे ये क्लासरूम इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, सो वी पे कॉर्पोरेशन टैक्स इफ यू आर द ओनर हियर. बराबर है क्या? क्या समझा बताओ? स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करता है? बाय. कब पे करता है?
बाइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो लैंड भी हो सकता है और हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर शॉप ये हो सकता है. तो स्टैम्प ड्यूटी इज ऑन परचेजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. व्हाट कम्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी? मैम सेलर को भी कुछ पे नहीं करना होता. नहीं, सेलर नहीं पे करता. ये एक ही ट्रांजैक्शन है. एक के एंगल से सेलिंग हो रहा है और एक के व्यू पॉइंट से बाइंग हो रहा है. उस ट्रांजैक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है. जनरली हु पेज द स्टैम्प ड्यूटी? बाय. सो स्टैम्प ड्यूटी इज ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सतरंगी सोल्ड प्रॉपर्टी टू नारंगी 50 लाख. नारंगी विल हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी. अज्यूम 10% तो 5 लाख. देन जब तक नारंगी के पास वो प्रॉपर्टी रहेगा ही विल पे प्रॉपर्टी टैक्स टू लोकल अथॉरिटी. किसको पे करेंगे? लोकल अथॉरिटी. इज दैट क्लियर? यस. सो इफ नारंगी ओन्स द प्रॉपर्टी तो आप पूछ सकते हो आपके घर पे पेरेंट्स को, डू वी पे सम लोकल टैक्सेस लोकल अथॉरिटी को. आपके सिटी में अगर उसका नाम कुछ अलग होगा तो आप मुझे बता सकते हो. ओके. सो इफ नारंगी ओन्स द प्रॉपर्टी फॉर 10 years, owns the property for any years, na? 10 ही कहां से आया? Assumption, I'm just giving you an example, है ना? If Narangi owns the property for 10 years, then each year, क्या पे करना पड़ेगा उसको? He will pay property tax. Oh my God, what are the names of property tax? Property tax का और एक नाम क्या है? Local tax या municipal tax. टू लोकल अथॉरिटी. किसको पे करेंगे? लोकल अथॉरिटी. सही है क्या? देखो देखो देखो, नारंगी विल हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी एक ही बार एंड प्रॉपर्टी टैक्स एवरी टाइम ही इज अ ओनर. इज द फंडा क्लियर? डाउट है? डाउट है? विचार ना, क्या डाउट है तर? मैं सर टेंशन में क्यों बैठी है तू? हाँ, ये भूख लगी है. 10 मिनट में मिलेगा खाना. ठीक है, हाँ लिख के लो. स्टैम्प ड्यूटी लिखना है? लीज पे हो तो जो ओनर है वो पे करेगा. जिसकी प्रॉपर्टी है वो हर लोकल अथॉरिटी के हिसाब से अलग होता है. हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो डिसाइड करते हैं, अलग उसका लॉज है. हाँ, सेलर को कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा. अनुज करेक्ट है, बट अब उधर तक अपन पहुंचे नहीं. रुक जा जरा. यस अनुज. अरे हाँ बोला ना, फिर से मैसेज डाल रहे वो बार बार. स्टैम्प ड्यूटी का रेट कौन डिसाइड करेगा? जो लॉ बनाएगा. लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट. तो उसका डिसीजन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट. जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो लॉ बनते वक्त रेट डिसाइड होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसका रूल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. अरे हाँ ना मैम, आई टुक जीडी मोड. नो प्रॉब्लम बेटा, जीडी मोड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगा एक 1.5 या 2 आवर्स के अंदर आपको अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो लेक्चर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉपर्टी टैक्स पर ईयर है. यस, देखो मैंने लिखा है ईच ईयर. बराबर है? कोई डाउट है क्या अभी किसी को? बोलो तो. सारे टैक्सेस हो गए क्या कवर? स्टैम्प ड्यूटी की बात क्या है? हाँ, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट बट नोबडी लेवीज इट. ऐसा मैं लिख के देती हूँ. पहले ये लिखो, स्टैम्प ड्यूटी लिख के हो गया तो बताओ मुझे. स्क्रोल करूँ क्या? राकेश, यस, प्रॉपर्टी टैक्स पर ईयर होता है बेटा. प्रॉपर्टी टैक्स इज पर ईयर. आईसीआई मॉड्यूल अभी नहीं मंगाए. मत मंगाओ, वो ओल्ड होगा. इनकम टैक्स तो अपडेटेड ही नहीं होगा, अभी एक्ट ही नहीं बना है. पता नहीं मॉड्यूल कब आएगा.
प्रॉपर्टी परचेज बिटवीन स्टेट्स ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर्टी जहां है उस स्टेट को पैसा मिलता है। मैं गुजरात से जाके महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदूंगी उससे फर्क नहीं है, प्रॉपर्टी किधर है? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के हिसाब से टैक्स लगेगा। डन है क्या मैम? वैसे तो ऑल स्टेट्स में पेट्रोल में वैट की रेट अलग होती है, बट उनकी कॉस्टिंग तो सेम होगी ना? हाँ, कॉस्टिंग सेम होगी, बट टैक्स लगा के फिर आपको बेचा जाता है ना, इसलिए आपका सेलिंग प्राइस अलग होता है। हाँ ना, ये हो गया। मुझे बताओ अगला टैक्स कौन सा बताना है मुझे? आइयो, ना ही कनेक्ट होते मंटे। हाँ, हो गया, ओके। चलो कौन सा बोलू? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, लिखो। टैक्स ऑन एग्री इनकम इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स ऑन एग्री इनकम इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, किसका सब्जेक्ट मैटर है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट नो टैक्सेस आर लेविड, बट नो टैक्सेस आर लेविड एज ऑफ नाउ। तो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स लगा रहा है क्या? नहीं। नहीं नहीं, ऐसे मॉडल में सिर्फ टैक्स अलग होगा, बाकी तो सब्जेक्ट सेम होते हैं। टैक्स में ये दर्द होता है, हर साल चेंज होता है ना वो। मैम सपोज ए ने बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो प्रॉपर्टी टैक्स कौन पे करेगा? जिसकी प्रॉपर्टी है वो टैक्स पे करेगा। अरे जिसकी प्रॉपर्टी है वो टैक्स पे करेगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल पे प्रॉपर्टी टैक्स। इज दैट क्लियर? डन है क्या ये? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मुझे बताओ जरा। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सीखा, टैक्स लेवी कौन करेगा? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनको खर्चा करना है। गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कौन कौन सा टैक्स लगाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं तो मोदी जी और केजरीवाल के बीच में झगड़ा होगा। कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है? 246। तो आर्टिकल 246 क्या बोलता है? कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? 246। कितनी लिस्ट है वहां पे? तीन। तीन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का आइटम है क्या? नहीं। लेकिन फिर मैम जीएसटी तो दोनों लगाते हैं। बिल्कुल। फिर वो कहां जाता है? जीएसटी बहुत खास है, उसके लिए अलग आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल 246A। कौन सा आर्टिकल है? 246A। आर्टिकल 246A के तहत जीएसटी लेवी होता है और वो दोनों लगाते हैं। वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो आर्टिकल 246A में है। ठीक है, एक यहाँ पे जस्ट एक नोट करो, इंपॉर्टेंट बात है, ये लर्न करनी है आपको। नोट कर, नहीं मैंने हेडलाइंस दे दिया ना। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट किस पे बात करता है? इनकम टैक्स। इसका हेडलाइन आ गया ना? हाँ, आगे आगे कुछ दिनों के बाद मैं बोलूंगी कि मैं हेडलाइंस की टेस्ट लेने वाली हूँ, इसलिए आपके पास हेडलाइंस अलग से होने चाहिए। तो एक किसी दिन में, अच्छा देखो, बहुत से जैसे सिलेबस आगे जाएगा आपको टाइम कभी नहीं मिलेगा, 10 मिनट मिले तो जस्ट टर्न योर पेजेस एंड रिवाइज योर हेडलाइंस। सो सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स आई विल गिव यू एज हेडलाइंस, बराबर है? चलो मैं आपको टैक्स का नाम पूछूंगी, आप बोलना कौन सा गवर्नमेंट लेवी करता है। ठीक है, इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, एक्साइज ड्यूटी ऑन अदर गुड्स, स्टैम्प ड्यूटी, ओके, सर्विस टैक्स, फिलहाल नहीं है लेकिन कौन लेवी करता था? कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ऑन ऑल गुड्स, सीएसटी, सीएसटी इज सेलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट। इज दैट क्लियर? आज यही पढ़ा, इतना ही पढ़ाया? हाँ, अच्छा छोड़ दूँ क्या? आज का आप पे उधर ही है, 6 मिनट का ब्रेक और 5 मिनट जल्दी छोड़ा, 11 मिनट में कभी तो रिकवर करने वाली। कितना है आपके ऊपर उधारी? 11 मिनट का, याद रखना हिसाब। कितना? 11 मिनट्स का मैं रिकवरी करने वाली हूँ किसी दिन, फिर आपको याद दिलाऊंगी कि 11 मिनट्स उधारी है अपनी, बराबर है क्या? यस, यू ऑल वर ऑल फैंटेस्टिक टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरीज?
एंड देन फेस टू फेस स्टूडेंट्स, इफ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम एंड मीट मी. पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग की क्वेरी अगर कुछ होगी तो सॉल्व करती हूँ. यस, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. यस काजल, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू. प्रॉपर्टी टैक्स फ्लैट पे भी होता है? हाँ होता है बेटा, होता है, होता है. बाय बाय, मस्त लेक्चर था, थैंक यू बेटा. प्रॉपर्टी टैक्स आफ्टर 10 इयर्स किसका होगा? अगर नारंगी ने आगे और किसी को प्रॉपर्टी बेच दिया तो वो प्रॉपर्टी टैक्स देगा ना बेटा, जो ओनर होगा वो देगा. मैंने 10 इयर्स तो ऐसे ही एग्जाम्पल में लिया था. हाँ हाँ, तुम डराओ मत मेरे बच्चों को इधर, पहले नए दिन फर्स्ट डे पे. यस, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर. 10 मिनट्स एक्स्ट्रा रिमेनिंग. हाँ आई टोल्ड यू ना, 11 मिनट उधारी है तुम्हारे ऊपर. प्रॉपर्टी टैक्स आफ्टर 10 इयर्स लगेगा? हाँ लगेगा, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा उसको लगेगा. मुझे लगा ही वो एग्जाम्पल लेते वक्त तुमको प्रॉब्लम आएगा उधर. यूजर एंड ओनर अलग होंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स ओनर देता है. प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड बाय द ओनर. 400 पेजेस की कॉपी चलेगी या 200-200 के दो कॉपीज भी चलेंगे. लास्ट पेज हेडलाइन क्या था? और एक लास्ट में हेडलाइन क्या दिया था? तीन लिस्ट. प्रॉपर्टी टैक्स का ईयर फिक्स कैसे होता है? एवरी ईयर अप्रैल टू मार्च. संडे रिकवरी नहीं होगी, संडे मेरा डे होता ही है वैसे भी. विथ समोसा, तुम बिगाड़ो मत उनको. संडे रिकवरी हो जाएगी. ओके डन. एनी क्वेरी लाइव स्ट्रीमिंग वालों, एनी क्वेरी? फेस टू फेस बच्चा लोग, तुमको कोई क्वेरी है? अच्छा, गुरुकुल के स्टूडेंट्स का लंच. अच्छा, गुरुकुल स्टूडेंट्स आपका लंच यहाँ से आप बाहर जाओगे तो राइट साइड पे वो टेबल है, वहां पे लंच हैज बीन पुट अप. हैव योर लंच, ईट प्रॉपरली, सिट डाउन एंड ईट. सब्जी के नाम पता नहीं होगा तो भी लंच खा लेना. ओके, घर पे वो सब्जी खाई नहीं होगी फिर भी आप खा लेना, ठीक है? वी हैव टू, खाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा इधर किसका है? पढ़ाई का. तो मुद्दे से भटकने का नहीं, हाँ मकसद. जैन 25 का अटेम्प्ट है. ओके, थैंक यू आलोक. नो क्वेरीज, ग्रेट. तो मैं स्ट्रीमिंग बंद कर दू? यस, सो वी कैन स्टॉप द स्ट्रीमिंग. इस संडे को लेक्चर होगा कि नहीं मैं आपको कल बताऊंगी आपको, ठीक है? यस, ओके, थैंक यू, बाय बाय.